अध्याय 1016 से 1020। जब यूचे की कल्पना जंगली हो रही थी, अचानक उसके बाएं कान से तीव्र दर्द हुआ। म्यूजुआनयन का जेड हाथ, जो उसके कॉलर पर थपथपा रहा था, पलट गया और अब वह उसके कान पर खींच रहा था, सीधे उसे स्वर्गीय झील से बाहर उठा रहा था। म्यूजुआनयन की चाल बेहद भारी थी, इस हद तक दर्दनाक थी कि यूचे ने तुरंत अपने दांत पीस लिए थे। एक पल में उसका दिमाग दर्द से हिल गया और वह हड़बड़ाहट में चिल्लाने लगा, शिष्य हिम्मत नहीं करता साज, ये शिष्य केवल सम्मान करता है गुरु के लिए, वह निश्चित रूप से ऐसे विचार कभी नहीं रखेगा। हालांकि म्यूजुआनयन का उसे रिहा करने का कोई इरादा नहीं था। यूचे के चेहरे को दर्द से विकृत करने में सक्षम होने के बावजूद, भले ही उसके पास एक ड्रैगन का शरीर था, ये कल्पना की जा सकती है कि यूचे के कान को खींचने वाला बर्फीला हाथ कितना शक्तिशाली था। वह खिलखिला कर मुस्कुराए और बोली, यह अच्छा है, मुझे माफ करने में कोई आपत्ति नहीं है। जब म्यूजुआनयन बोल रही थी तो उसकी नजर अनजाने में यूचे के निचले शरीर की ओर चली गई। उसकी आवाज तुरंत रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें एक बार फिर धीमी होने से पहले खुली हुई थी। उसकी लंबी और संकीर्ण आंख की दरारों के भीतर एक खतरनाक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक उठी। मेरे अच्छे चीर, मैंने वास्तव में आपके दुस्साहस को कम करके आंका है। उसकी आवाज तुरंत नर्म और धीमी हो गई, फिर भी यूचे का दिल उसकी बातें सुनकर तेजी से धड़कने लगा। आप वास्तव में इस विचित्र चीज को अपने मालिक की आंखों के सामने पेश करने का साहस कर रहे हैं, बहुत दुस्साहसी टिल्ड। म्यूजुआनयन ने अपना हाथ बाहर निकाला जो यूचे के कान को खींच रहा था और यूचे चिल्लाते हुए झील के किनारे पर जोर से टकराकर दूर जा गिरा। इस थ्रो में म्यूजुआनयन की ताकत थोड़ी ही थी और यूचे अंततः रुकने से पहले झील के किनारे काफी दूर तक लुढ़क गया। हालांकि उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था, उसका गला रुंध गया था और वह काफी देर के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। कम से कम एक दर्जन हड्डियां टूट गई। उसकी कल्पना तो और भी पूरी तरह बिखर गई थी। हाँ, ये वास्तव में मेरे संप्रदाय के लिए दुर्भाग्य है, म्यूजुआनयन ने धीरे से आह भरी, इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए कि जिम्मेदारी उसके अपने जेड शरीर के हर एक इंच के भीतर छिपी हुई थी, जो एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली आभा का उत्सर्जन कर रही थी जिसका कोई भी व्यक्ति कभी विरोध नहीं कर सकता था। आप सींग वाले अजगर के खून के प्रभाव में भी फिक्सू को छूने को तैयार नहीं थे और मैं शुरू में आपके असाधारण आत्मनियंत्रण की प्रशंसा करना चाहता था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में एक घृणित शिष्य थे जिसके पास इतना घृणित वासनापूर्ण हृदय था कि वह अपने गुरु के बारे में इस तरह से सोचने की हिम्मत भी कर सकता था। ।। यूचे अंततः स्थिर बैठने की मुद्रा लेने में सक्षम हो गया। सिर झुकाए हुए उसने वापस बात करने की हिम्मत नहीं की, न ही उसने म्यूजुआनयन पर एक और नजर डालने की हिम्मत की। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे तुम्हें और भी बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था कि म्यूजुआनयन ने एक नर्म निराश भरी आह भरी है। अपना हाथ उठाते हुए एक जेड स्क्रॉल जो नीली रोशनी से जगमगा रहा था यूचे के बगल में गिरा। फिर उसने अपनी पीठ उसकी ओर कर दी। यह जेड स्क्रॉल संपूर्ण मून स्प्लिटिंग कैस्केड के साथ उत्कीर्ण है। अपनी समझने की क्षमता के साथ आपको पहले से ही इसे स्वयं समझने में सक्षम होना चाहिए। मेरे निर्देशों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें अस्थायी रूप से इस स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के अंदर बंद कर दूंगा। कुछ दिनों में मैं मून स्प्लिटिंग कैस्केड पर आपकी प्रगति का परीक्षण करने के लिए वापस आऊंगा। यदि यह स्वीकार्य है तो मैं आपके महान अनादर के पाप का पीछा नहीं करूंगा, यहां तक कि इनाम भी मिल सकता है। हालांकि यदि आप मुझे निराश करते हैं। म्यूजुआनयन की आंखों की रोशनी थोड़ी सी चमक उठी और उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। परिणाम गंभीर होंगे टिल्ड। जब ये शब्द गिरे तो म्यूजुआनयन चला गया। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील के बैरियर को भी कसकर बंद कर दिया गया था। क्रैक क्रैक कुछ चटकने की आवाजें गूंजी, क्योंकि कई हड्डियां जो गलत तरीके से संरेखित हो गई थी उन्हें यूचे ने तुरंत वापस जोड़ दिया था। जहां तक उन कुछ दर्जन हड्डियों की बात है जो टूट गई थी, उनके पास उनके धीरे धीरे अपने आप ठीक होने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह खड़ा हुआ, दांत पीसते हुए बोला, कोई प्रतिक्रिया न होना और भी असामान्य होगा, ठीक है। जैस्मीन के सामने उसे बहुत कम शर्मनाक पल मिले, लेकिन म्यूजुआनयन के सामने ऐसा लगता था जैसे एक भी समय ऐसा नहीं था जब उसे शर्मिंदा न होना पड़ा हो। यदि उसने आइस फीनिक्स पैलेस में अपनी पहली मुठभेड़ का अनुभव नहीं किया होता तो म्यूजुआनयन के भारी बदलाव ने निश्चित रूप से यूचे को अब भी चौंका दिया होता। अगर ऐसा था भी तो कुछ क्षण पहले की म्यूजुआनयन को याद करने से वह अभी भी थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला था।
वह उसे स्नो सॉन्ग रियलमकिन के साथ जोड़ने में असमर्थ था, जिसके पास स्वर्गीय शक्ति थी जो जनता को चुप करा सकती थी। उसके व्यक्तित्व में इतनी बड़ी असमानता क्यों थी? कौन सा उसका सच्चा था? यून चे स्वर्गीय झील में चला गया और लगभग 2 घंटे तक खुद को शांत किया और अंततः अपनी चोटों और आंतरिक उथल पुथल से राहत पाने में सक्षम हो गया। फिर उन्होंने स्वर्गीय झील का पानी छोड़ दिया, झील के किनारे उतरे और कमल की स्थिति में बैठ गए। हालांकि उसने मून स्प्लिटिंग कैस्केड जेड स्क्रॉल नहीं उठाया, जिसे म्यू जुआनिन ने उस पर फेंका था। इसके बजाय उसने जेड स्क्रॉल निकाला जो कि लाल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इस लाल रंग के सुनहरे जेड स्क्रॉल की उपस्थिति पर हवा का तापमान बढ़ गया, जिससे आसपास की बर्फ की आत्माएं बिखर गई। पूरा गोल्डन क्रो का जलती हुई दुनिया का रिकॉर्ड। यद्यपि हुओपोन द्वारा जारी 9 सन्स हेवन्स फ्यूरी उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था, लेकिन इसने उसके दिल और आत्मा को जबरदस्त रूप से हिला दिया था। हालांकि वह ये नहीं भूले कि इस जेड स्क्रॉल को केवल एक बार ही पढ़ा जा सकता है और इसके बाद ये तुरंत गायब हो जाएगा। यूं चे ने अपने दिल को शांत किया और अपने दिमाग को केंद्रित किया। उसकी आंखें बंद होने के साथ पतली और महीन धाराओं की तरह उसकी इंद्रियों ने लाल सुनहरे जेड स्क्रॉल को ढांक लिया। उनकी इंद्रियां तेजी से नष्ट हो गई और तुरंत देव कला के 8वें चरण पर पहुंच गई। कुछ दर्जन सांसों के अंतराल में गोल्डन क्रो की गूंजती आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी और उसकी आत्मा की गहराइयों में एक चमकता हुआ गोल्डन क्रो नृत्य करने लगा। उसके शरीर की सतह पर तेजी से समृद्ध गोल्डन क्रो दिव्य ज्वालाओं की एक परत धीरे धीरे दिखाई देने लगी। जैसे जैसे कोई गोल्डन क्रो के जलती हुई दुनिया के रिकॉर्ड के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, गोल्डन क्रो की लपटों की शक्ति एक बार बढ़ गई। इसके अलावा हर एक में बड़ी मात्रा में विस्फोटक वृद्धि होगी और आग की लपटों का रंग सोने के करीब होगा। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक बढ़ते दायरे के साथ इसी तरह एक गोल्डन क्रो विनाशक कौशल भी होगा। 8वां क्षेत्र ब्लेजिंग सनरे एक बिंदु आधारित अग्नि आक्रमण कौशल था जो शक्ति में गोल्डन एनिहिलेशन से कहीं आगे निकल गया। गोल्डन एनिहिलेशन के पीछे की अवधारणा गोल्डन क्रो की लपटों को एक पंक्ति में दबाना था, जबकि ब्लेजिंग सनरे और भी अधिक चरम था, एक बिंदु। हालांकि इसे गोल्डन एनिहिलेशन की तुलना में कई गुना अधिक संघनित समय की आवश्यकता थी। जिस क्षण इसे सफलतापूर्वक छोड़ा गया, ये धधकते सूरज से निकलने वाली अत्यधिक आग की लपटों के समान होगा। ये दुनिया के सभी पदार्थों को जलाने में सक्षम था। 9वां क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र डोमेन रेड बटरफ्लाई येलो स्प्रिंग एशेज की तरह एक विनाशकारी डोमेन नहीं था, बल्कि ये ड्रैगन गॉड डोमेन की तरह एक आत्मा डोमेन था। हालांकि ड्रैगन गॉड डोमेन के अपराजय स्तब्धता की तुलना में यह अलग था। हालांकि रेड बटरफ्लाई डोमेन उस चरम अचेतन को हासिल नहीं कर सका जो ड्रैगन गॉड डोमेन करने में सक्षम था, लेकिन ये किसी की आत्मा को भयानक रूप से भस्म कर सकता था। ये भयानक गोल्डन क्रो दिव्य लिप्टों के समान होगा जो लोगों की आत्माओं की गहराइयों को जला देगा, जबकि उनके शरीर जीवित रहने पर उनकी आत्माओं को नष्ट कर देगा। 10वां क्षेत्र और गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड के जेड स्क्रॉल में दर्ज सबसे ऊंचा क्षेत्र भी इसका अनुरूप विनाशकारी कौशल 9 सन्स हेवन्स फ्यूरी था। हुओपोन द्वारा प्रदर्शित 9 सूर्य स्वर्ग का रोष सबसे प्रारंभिक 1 सूर्य अवस्था में था। भले ही यह सबसे प्रारंभिक अवस्था में था, फिर भी इसके आतंक ने पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा प्रत्येक सूर्य के जुड़ने से इसकी शक्ति एक नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी। संपूर्ण 9 सूर्यों का स्वर्ग का प्रकोप 9 सूर्यों के अवतरण को लाएगा। इसकी शक्ति का आतंक बिल्कुल अकल्पनीय था। सबसे अधिक संभावना है वह वास्तव में दैवीय शक्ति होगी जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। फ्लेम गॉड दायरे के इतिहास के 1,00,000 वर्षों में हालांकि 4 लोग थे जो 9 सूर्यों के स्वर्ग के रोष को समझ सकते थे। उनमें से एक भी 9 सूर्यों के दायरे को हासिल करने में सक्षम नहीं था। हुओपोन का 30 साल की उम्र से पहले 1 सूर्य के दायरे तक पहुँचने में सक्षम होना फ्लेम गॉड दायरे में पहले कभी नहीं देखा गया चमत्कार था। अपनी केंद्रित अवस्था में वह मूलतः समय के प्रवाह को समझने में असमर्थ था। जब स्थिर यून चे ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली तो 7 दिन पहले ही बीत चुके थे। उसके शरीर पर आग की लपटें अभी भी मौजूद थीं, जबकि उसके सामने लाल सुनहरी जेड स्क्रॉल इस समय आग की लपटों में बदल गई, तुरंत राख में बदल गई। अपना दाहिना हाथ उठाते हुए गोल्डन क्रो की लपटों की एक छोटी सी गेंद उसकी हथेली के ऊपर बिना आवाज के प्रज्वलित हुई और फिर तेजी से सघन हो गई। अपनी पहली कास्ट में वह पहले ही 8वें ज्वलंत दायरे में पहुंच चुका था और यह कुछ ही सेकंड में था। आग की लपटों की आभा और रंग दोनों में स्पष्ट परिवर्तन आ गया था। उन्हें यह भी विश्वास था कि आधे महीने में वह ब्लेजिंग सनरे के निचले स्तर को हासिल करने में सक्षम होंगे। हालांकि हाथ में आग की लपटें देखकर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई।
क्या दसवां चरण सचमुच चरम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह अभी भी अधूरा है? उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, चलो मून स्प्लिटिंग कैस्केड को प्रशिक्षित करें। आइस फीनिक्स सिटी, 36वां आइस फीनिक्स पैलेस। यू चेही वह व्यक्ति थी जिसने फिक्स्यू को अस्वीकार कर दिया था। म्यू जुवाने इन बर्फ की कुर्सी पर बगल में बैठा था। धुंधली आंखों और उसके कोमल स्तनों के आधे खुले होने के साथ उसके ओवरलैपिंग पैरों ने एक पतली उमस भरी रूपरेखा बनाई। उसकी पोशाक के नीचे उसकी सफेद पिंडलियों का एक छोटा सा हिस्सा खुला हुआ था। उसकी चमकदार त्वचा बर्फ के फूलों से भरे कमरे से भी अधिक चमकदार थी। म्यू बिंगयून उसके बगल में खड़ी थी। उसकी हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहों से उसकी घबराहट का पता चल रहा था। ये और क्या हो सकता है? फिक्स्यू का व्यक्तित्व इतना आज्ञाकारी है, चाहे कुछ भी हो वह अवज्ञाकारी नहीं हो सकती। मू जुआनयिन की आवाज नर्म और कोमल थी, जो लोगों के दिल और दिमाग को झकझोरने में सक्षम थी। उसके सफेद चेहरे पर मनमोहक गुलाबी रंग की एक परत हल्की सी उभर आई। एक मनमोहक खुशबू हवा में तैर रही थी और मू बिंगयून की नजर अनजाने में उसके अत्यधिक बड़े और आधे खुले स्तनों पर पड़ी और फिर तुरंत दूर चली गई। उसका दिल तुरंत थोड़ा अस्वाभाविक रूप से धड़कने लगा। उसने हल्के से कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि बड़ी बहन की विधि थोड़ी बेशर्म है, ये वास्तव में उसके लिए गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र को प्राप्त करने का सबसे संभावित तरीका है। इसके अलावा उनके व्यक्तित्व और किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके लिए आपत्ति करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। कौन जानता है, संभवतः फिक्स्यू उसकी पसंद को पसंद नहीं करता है। बाहर की ठंडी बर्फीली रोशनी अंदर आ रही थी। म्यू जुवानयिन आलस्य से लेट गई। उसकी पोशाक ने उसके जेड पैरों को ऊपर खींच लिया। अपनी नाजुक गुलाबी चमक के साथ उसके पैर बर्फ की कुर्सी से ऊपर उठे हुए थे। उसके प्रत्येक पैर की उंगलियां बर्फ के क्रिस्टल की तरह छोटी और चमकदार थी। उसके पैरों के आगे और पीछे के हिस्से रेशमी चिकने थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर क्रीम की परत लगाई गई हो, जेड की तरह चिकने और साटन की तरह मुलायम। और केवल म्यू बिंगयून के सामने ही वह इतनी बेईमान दिखाई देती थी। क्या वह उसकी पसंद को नहीं पकड़ता? म्यू बिंगयून ने सिर हिलाया। फिक्स्यू के लुक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरी तरह से अलग है। टिल्डा अपने पतले बर्फीले हाथ से उसने अपने बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाले नीले बालों को अपने कान के पीछे घुमाया। म्यू जुवानयिन अचानक मुस्कुराई। उसकी नजर म्यू बिंगयून पर केंद्रित थी। उसकी आंखों में एक सुंदर मनमोहक रंग दिखाई दिया। चूंकि वह फिक्स्यू को लेने का इच्छुक नहीं है तो केवल एक ही तरीका बचता है। कौन सी विधि? म्यू बिंगयून की आंखें घूम गई। हालांकि जैसे ही वे म्यू बिंगयून की आकर्षक मुस्कान से मिली, उसने अनजाने में उन्हें फिर से दूर कर दिया। बेशक एकमात्र तरीका बचा है। क्या मेरी अच्छी छोटी बहन व्यक्तिगत रूप से उसकी गहन शक्ति को बढ़ाने और उसकी जान बचाने के लिए उसे चुकाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण इनकी पेशकश कर रही है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, मू जुआनिन पहले से ही हल्की हंसी छोड़ रही थी। म्यू बिंगयून का सुंदर बर्फीला चेहरा अविचल था। बहन मूर्ख मत बनो। बाहर म्यू बिंगयून को म्यू जुआनिन के सामने सम्मानजनक व्यवहार करना पड़ा। हालांकि निजी तौर पर वे दोनों बहनें थी जो कोई भी रहस्य साझा कर सकती थी और एक दूसरे के लिए उनकी भावनाओं में जरा भी अशुद्धता नहीं थी। वे दोनों दुनिया में एक दूसरे के एकमात्र रिश्तेदार थे। हालांकि उनके आचरण और व्यक्तित्व में अत्यधिक अंतर था। उनमें से एक परी थी जो बर्फ की तरह ठंडी थी, जबकि दूसरी एक मंत्रमुग्ध जादूगरनी थी जो दुनिया में आपदाएं ला सकती थी। हे भगवान, क्या आप थोड़ी चंचल प्रतिक्रिया नहीं दे सकते और अपनी बड़ी बहन का थोड़ा मनोरंजन नहीं कर सकते? मू जुआनिन ने हल्के से अपने होंठ भींचे। हालांकि एक पुरुष शिष्य को शामिल करना अपेक्षा से अधिक मजेदार था। मजा? आप यूचे के बारे में बात कर रहे हैं? वह न केवल मजेदार है बल्कि उसकी समझने की क्षमता भी असाधारण रूप से उच्च है। केवल एक ही दिन में उन्होंने मून स्प्लिटिंग कैस्केड को समझ लिया। उस जैसी समझने की क्षमता। मू जुआनिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। संभवतः उन राजा क्षेत्रों में किसी को भी तुलना के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह .. ये भी मुख्य कारण है कि बड़ी बहन को अचानक उसे जल्दी से बड़ा करने की इच्छा होती है ना? म्यू बिंगयून ने कहा। मैं उसे म्यू हान्याई के साथ आइस विंड एम्पायर की यात्रा कराने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके नाजुक आड़ू रंग के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी आंखों की मनमोहक चमक धीरे धीरे गहरी और गहरी होती गई। उसे व्यक्तिगत रूप से उस आइस किलिन के सीन को पुनः प्राप्त करने के लिए। लेखक का नोट, पीएस, भले ही युनचे गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड को पूरी तरह से समझ ले, फिर भी वह नाइन सन्स हेवन्स फ्यूरी को रिलीज नहीं कर पाएगा।
आइए इसे इस तरह से रखें। नाइन सन्स हेवन्स फ्यूरी को कास्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम एमपी 5000 है, जबकि अधिकतम असीमित है। यूचे का वर्तमान अधिकतम एमपी 54250 है, इसलिए मुझे क्षमा करें, ये नेट गेम खेलने का अगला भाग है। न्यू बिंगयुन ने अपनी भौहों को थोड़ा सा हिलाया और कहा, चूंकि यह मामला है, इसलिए उसकी भलाई की रक्षा के लिए उसके साथ जाने के लिए किसी बुजुर्ग को चुनना सबसे अच्छा है। आखिरकार उसकी साधना का स्तर वास्तव में बहुत कम है। आइए ऐसा न करें। मू जुआनिन ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे वहाँ अकेले भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। अकेला? न्यू बिंगयुन थोड़ा स्तब्ध रह गई और उसने तुरंत इसके बारे में सोचा। अगर वह जीवित वापस नहीं आ सका या किलिन सीन को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा, तो मुझे अब उसकी मदद करने के लिए इतना प्रयास करने में परेशानी नहीं होगी। आखिरकार म्यू जुआनिन की आंखों में थोड़ा आक्रोश झलक रहा था। कीमत बस थोड़ी बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, मैं सर्वशक्तिमान स्नो सॉन्ग रियलम किन हूँ, फिर भी मैं इतने छोटे बच्चे से इतना परेशान हो रहा हूँ। मैं पर्याप्त रूप से संतुष्ट महसूस नहीं कर रहा हूँ। न्यू जुआनिन के बचकाने रवैये को देखकर न्यू बिंगयुन हल्के से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। यद्यपि यूचे का गहन स्तर कम है, वह पहले से ही आपका प्रत्यक्ष शिष्य है। ये खबर अब तक फैल जानी चाहिए थी, इसलिए मूल रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र में एक भी व्यक्ति उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। वह संभवतः किसी खतरे का सामना कैसे कर सकता है, ये निश्चित नहीं हो सकता है। मू जुआनिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। कुछ लोगों की हिम्मत आसमान से भी बड़ी हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह छोटा बच्चा किलिन सिंह को कैसे वापस लाएगा और जीवित वापस आएगा, ये सब उसकी अपनी क्षमताओं पर आधारित होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। न्यू बिंगयुन ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर के बाद वह पलटी और बोली, चूंकि यह मामला है तो जियाओलान को उसके साथ जाने दो। जियाओलान ने संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद से अपने माता पिता को नहीं देखा है। उसके माता पिता आइस विंड एम्पायर के सम्राट के 1000 साल के जन्मदिन समारोह में निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। आइए इस अवसर का उपयोग करके उनके परिवार को एक बार साथ लाएं। अपने गृहनगर के प्रति उसकी लालसा को भी कम किया जा सकता है। न्यू जुआनिन ने हल्के से अपने होंठ भींचे और फिर उसने अचानक संकोचपूर्वक कहा, आप निश्चित रूप से उस छोटे बच्चे के साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या होगा अगर एक दिन ऐसा आए कि आप अपनी बड़ी बहन को नहीं चाहेंगे? न्यू बिंगयुन ने असहाय दृष्टि से कहा, फिर से बेवकूफ बना रहा हूँ। न्यू जुआनिन हल्के से हंसी और फिर उसने स्नेहपूर्वक कहा, लेकिन आपको अपने जियाओलान रको सावधान रहने के लिए कहना होगा। ये छोटा बच्चा जिसे तुम्हारी बड़ी बहन ने अभी अभी गोद में लिया है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए खतरनाक है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। न्यू बिंगयुन ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में तो आपने भी नोटिस किया, एमिन, यहाँ तक कि फिक्स्यू का दिमाग भी उसके आपके जियाओलान र द्वारा अस्थिर हो गया है। मू जुआनिन की पानी भरी आंखों में एक शरारती कोहरा घूमता रहा। वह एक मेमना बन सकती है जो बाघ की मांद में प्रवेश करती है। जब ऐसा होगा तो वह दिन रात उसके बारे में सोचती रहेगी और उसके पास अब अपने मालिक की देखभाल करने का समय नहीं होगा। फिक्स्यू, न्यू बिंगयुन की आंखों में सदमा भर गया, लेकिन उसने तुरंत बाद दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। असंभव, फिक्स्यू का व्यक्तित्व मेरे जैसा ही है और उसके दिल को पुरुषों द्वारा प्रभावित करना मूल रूप से असंभव है। जब युन चे ने दोहरी खेती के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसके मन में थोड़ी कृतज्ञता हो सकती है, लेकिन इस मामले के कारण उसके लिए भावनाएं जगाना निश्चित रूप से असंभव है। इसलिए मैंने कहा कि वह महिलाओं के लिए वाकई खतरनाक है। जब उसे म्यू फिक्स्यू की चकित नजर और धुंधली आंखें याद आई, जब वह वापस चली गई थी तो म्यू जुआनिन की भौहों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। म्यू जुआनिन आलस्य से बर्फ की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी पतली कमर के हिलने के बाद उसके बर्फीले स्तन हल्के से कांपने लगे और उन पर बर्फ की फीनिक्स का निशान ऊपर से नीचे तक हिल गया, जो उमड़ते मोटेपन से दब गया। मम्मा, म्यू जुआनिन ने अपने सुगंधित होठों से हल्की आह भरी। जब सुना तो ऐसा लगा जैसे यह एक सेक्सी कराह थी। अब उस छोटे बच्चे को फिर से देखने का समय आ गया है। मैंने उसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में बंद कर दिया और उसे आज्ञाकारी रूप से मून स्प्लिटिंग कैस्केड की खेती करने का निर्देश दिया, फिर भी वह गोल्डन क्रो के बनिंग वर्ल्ड के रिकॉर्ड पर चुपचाप प्रशिक्षण ले रहा है। हाँ हाँ, मैंने उसे कई बार पीटा है और डांटा है, फिर भी वह अभी भी अवज्ञाकारी है। ये बहुत निराशाजनक है। न्यू बिंगयुन, योजक चिन्ह। 14वें दिन यूचे को स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में बंद कर दिया गया था।
हालांकि कहा जाता है कि उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार भी स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील जैसी जगह में प्रवेश करना कई आइस फीनिक्स शिष्यों की इच्छा थी। यून चे ने गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बनिंग वर्ल्ड के अंतिम तीन क्षेत्रों को समझने और उनसे परिचित होने के लिए 7 दिनों का समय लिया, लेकिन उन्हें अभी तक उनमें प्रशिक्षण नहीं मिला था। बचे हुए समय में उसने उन सभी को मून स्प्लिटिंग कैस्केड को प्रशिक्षित करने में खर्च किया। आखिरकार म्यू जुआनिन ने उसे जाने से पहले अपनी पूरी ताकत के साथ मून स्प्लिटिंग कैस्केड को प्रशिक्षित करने का आदेश दिया था और वह बाद में व्यक्तिगत रूप से उसका मूल्यांकन भी करेगी। यदि उसने उसे निराश किया तो परिणाम गंभीर होंगे, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास नींव के रूप में परिपक्व स्टार गॉड की टूटी हुई छाया थी। मून स्प्लिटिंग कैस्केड पर यूचे की प्रगति बेहद तेज थी। बुनियादी बातों को समझने के बाद उसकी प्रगति की गति और भी तेज हो गई। अपने प्रशिक्षण से अपनी ताकत खत्म करने के बाद वह खुद को स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील में डुबो देगा और बहुत जल्दी उसकी आत्माएं और गहन ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। स्टार पिकर स्टोन पर बैठने की तुलना में बहुत तेज, इस प्रक्रिया के दौरान उनकी गहन शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि विकास की ये दर 2 वर्षों में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने के उनके लक्ष्य की तुलना में अभी भी प्राप्य से बहुत दूर थी। ऊपर आकाश में मू जुआनिन चुपचाप नीचे देख रहा था, ठंडी रोशनी की चमक के बीच यूनचे को लगातार बाद की छवियों में टूटते हुए देख रहा था। हालांकि वह अभी भी छाया के भीतर दायरे तक पहुंचने से बहुत दूर था, उसकी तात्कालिक गति और अंतराल पहले से ही विशेष रूप से अनुभवी थे। वास्तविक युद्धों के लिए उनका बमुश्किल ही उपयोग किया जा सका। स्नो सॉन क्षेत्र के इतिहास में प्रगति की ये दर निश्चित रूप से अभूतपूर्व थी। एक बार फिर प्रशिक्षण से अपनी ताकत खत्म होने के बाद यूनचे ने एक लंबी आह भरी। जैसे ही वह स्वर्गीय झील में गोता लगाने वाला था, जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि एक बर्फीली आकृति उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, जिनसे अंतहीन सिहरन पैदा करने वाली ताकत निकल रही थी। यूनचे जल्दी से आगे बढ़ी और घुटने टेक दी। शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया। घुटनों के बल बैठने के काफी देर बाद तक यूनचे को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, केवल एक बर्फीली हड्डी छेदन शक्ति उसके शरीर और आत्मा पर दबाव डाल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ के अनगिनत कांटे ठीक उसके गले की ओर इशारा कर रहे हो, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो और हिलने डुलने की हिम्मत न हो रही हो। वह नहीं कर सकती थी, तब से हिसाब बराबर कर रही थी, है ना? यूनचे ने सोचा और ठंडी सांस लेते हुए खांसने लगा। प्रगति स्वीकार्य है, ऐसा लगता है जैसे आपको वास्तव में मुझे किनारे पर निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित रूप से कुछ चिंता से बचाता है। हालांकि उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में एक भी गुस्से वाला इरादा नहीं था और उसके शब्दों के पीछे का अर्थ प्रशंसा भी माना जा सकता है। यूनचे ने तुरंत राहत की सांस ली। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद शिक्षक, ये शिष्य गूंगा और धीमा है। भविष्य में अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे समाधान के लिए मास्टर को परेशान करने की आवश्यकता होगी। गूंगा और धीमा, हम्फ, उठो, न्यू जुआनिन ने ठिठुरते हुए कहा और फिर उसकी भौहें अचानक झुक गईं। चेयर, मास्टर को उस प्रश्न का ईमानदार उत्तर दे जो पूछा जाने वाला है। आपके पास एक सच्चे ड्रैगन की आभा क्यों है? यूनचे का दिल तेजी से धड़क रहा था, फिर भी उसने तुरंत जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा यह एक विशिष्ट ट्रू ड्रैगन आभा नहीं है। न्यू जुआनिन ने उसे घूर कर देखा। उसकी बर्फीली ठंडी आंखों से यूनचे को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था मानो उसकी अपनी चेतना और आत्मा पहले ही प्रवेश कर चुकी है। सच बोलने का फैसला करने से पहले वह कुछ क्षणों के लिए झिझका। मास्टर के जवाब में इसके अलावा फीनिक्स और गोल्डन क्रो, इस शिष्य ने एक बार ड्रैगन भगवान की विरासत प्राप्त की थी। ड्रैगन देव, न्यू जुआनिन की आंखों में सदमे का एक क्षण चमक गया। आप जिस ड्रैगन भगवान की बात करते हैं, क्या आप देवताओं के युग के दौरान 10,000 जानवरों के प्रभुत्व का जिक्र कर रहे हैं? प्राइमर्डियल अज़्योर ड्रैगन, ड्रैगन जाति के नेता। हाँ, यूनचे ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... कोई आश्चर्य नहीं। हालांकि अभी भी सदमा लगा हुआ था, मू जुआनिन के कुछ संदेह दूर हो गए थे। आपकी गहन शक्ति की विसंगति दुष्ट भगवान की शक्ति से संबंधित है, जबकि आपकी तुलनात्मक रूप से असामान्य काया वास्तव में आपके भीतर ड्रैगन भगवान के वंश से उत्पन्न होती है। हम्फ, जिसके बारे में बात करते हुए आप जिस ग्रह पर पैदा हुए हैं वह निश्चित रूप से असाधारण है। वास्तव में इस पर कई ईश्वरीय विरासतें निवास कर रही हैं। फीनिक्स और गोल्डन क्रो को अलग रखते हुए ड्रैगन भगवान की विरासत वास्तव में वहां भी है। यूनचे, ये ड्रैगन भगवान की विरासत भी है। दूसरे शब्दों में आपके शरीर के भीतर ड्रैगन गॉड की रक्तरेखा मौलिक रक्तरेखा है, ड्रैगन गॉड की पहली पीढ़ी की रक्तरेखा है।
म्यू जुवानयिन की बर्फीली आंखें सिकुड़ गईं, उनके भीतर एक ठंडी रोशनी घनीभूत हो गई। अगर ड्रैगन गॉड दायरे को इस मामले के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से आप में अत्यधिक रुचि रखते। ड्रैगन भगवान क्षेत्र, यूं चे धीरे से बुदबुदाया। उसे यह नाम स्पष्ट रूप से याद था। प्रिमोडियल अज्योर ड्रैगन ने एक बार उनसे इसका उल्लेख किया था। ईश्वर क्षेत्र के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी चार दिव्य क्षेत्रों में से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र सबसे मजबूत है, म्यू जुआनिन ने उदासीनता से समझाया। चार दिव्य क्षेत्रों के 17 राजा क्षेत्रों में से पश्चिमी दिव्य क्षेत्र अकेले उनमें से 6 को लेता है, 6 राजा क्षेत्रों के शीर्ष पर ड्रैगन भगवान क्षेत्र के साथ। ये पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का निर्विवाद शासक है और ये देव क्षेत्र के सबसे मजबूत सितारा क्षेत्र के रूप में भी स्थापित है। ईश्वर क्षेत्र सबसे मजबूत। युनचे की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ईश्वर क्षेत्र का सबसे मजबूत, इसका मतलब ये भी था कि यह संपूर्ण प्रारंभिक अराजकता आयाम में सबसे मजबूत अस्तित्व था। म्यू जुवानयिन ने जारी रखा, हमारे पूर्वी दैवीय क्षेत्र में मानव जाति की आबादी 70% से अधिक है, जबकि अन्य जातियों की संख्या 30% भी नहीं है। हालांकि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के 70% निवासी राक्षस है। ड्रैगन गॉड दायरे के सभी लोग पहले स्थान पर सच्चे ड्रैगन थे, इसलिए उनकी शारीरिक संरचना और योग्यता अन्य सभी जातियों से कहीं बेहतर थी। इसके अलावा उन्हें प्रिमोडियल अज्योर ड्रैगन की विरासत भी प्राप्त हुई। जब तक कोई एक सच्चे ड्रैगन के रूप में पैदा होता है, उसके पास जन्म के समय अद्वितीय ताकत होगी। ड्रैगन भगवान की दिव्य शक्ति के साथ उनकी घनिष्ठ अनुकूलता को जोड़ते हुए ये स्वाभाविक है कि वे शक्तिशाली हैं। ड्रैगन गॉड दायरे के राजा को वर्तमान गॉड दायरे के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का राजा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये शब्द सुनते ही युचे का दिल कांप उठा। ड्रैगन अनगिनत जानवरों का संप्रभु था, इसलिए ये समझ में आता है कि वे अनगिनत जीवित प्राणियों के भी संप्रभु थे। मनुष्य अपने जन्म के समय बेहद कमजोर थे, जबकि एक युवा अजगर जो अभी पैदा हुआ था पृथ्वी को हिला सकता था और समुद्र को विभाजित कर सकता था। यदि उन्हें प्राइमर्डियल अज्योर ड्रैगन की दिव्य शक्ति को जोड़ना होता तो ईश्वर क्षेत्र का शीर्ष स्थान लेना वास्तव में स्वाभाविक था। एक मिनट रुके, ड्रैगन सम्राट। फिर यू चे को अचानक भौहें सिकोड़ते देख म्यू जुआनिन ने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई और कहा, आपने ड्रैगन सम्राट के बारे में सुना है? आह, युनचे ने अपना सिर हिलाया, मैंने नहीं। हालांकि इस शिष्य ने सीनियर सिस्टर से ड्रैगन क्वीन कहे जाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। अहम, जूनियर सिस्टर ज़ियाओलिन और उसे देवी के साथ शीर्षक दिया गया लग रहा था। क्या वह शायद ड्रैगन गॉड दायरे से भी कोई है? ड्रैगन क्वीन और देवी, म्यू ज़ियाओलिन ने तब उल्लेख किया था कि वे अद्वितीय महिलाएं थीं जिनकी सुंदरता संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र से मिलती थी और ईश्वर क्षेत्र का हर एक व्यक्ति उनके बारे में जानता था। म्यू जुआनयिन ने एक पल के लिए युचे को हल्के से देखा। देवी हमारे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ब्रह्मा सम्राट देवी को संदर्भित करती है, जबकि ड्रैगन क्वीन ड्रैगन सम्राट की पत्नी है। उद्धरण चिन्ह ... आशा के अनुसार युचे ने सिर हिलाया। दरअसल चूंकि ड्रैगन सम्राट को सार्वजनिक रूप से ईश्वर क्षेत्र के संप्रभु के रूप में मान्यता दी गई थी, इसलिए उसकी पत्नी के अलावा कोई भी खुद को ड्रैगन क्वीन के रूप में संदर्भित करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि अफवाहों की ड्रैगन महारानी और देवी की सुंदरता वास्तव में म्यू ज़ियाओलिन द्वारा बताई गई ईश्वर क्षेत्र की सभी सुंदरता और सुंदरता का अभिसरण थी, तो एकमात्र व्यक्ति जो ऐसी चमत्कारिक महिला से मेल खा सकता था वही ईश्वर क्षेत्र का सबसे मजबूत व्यक्ति होगा जो प्रारंभिक अराजकता आयाम के शिखर पर खड़ा था। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, म्यू जुआनिन ने कहा। यद्यपि ड्रैगन गॉड क्षेत्र शक्तिशाली और अत्याचारी है, उन्होंने कभी भी अत्याचारपूर्ण कार्य नहीं किया है, न ही वे रूढ़िवादी हैं। उन्होंने कभी भी खुद को अन्य जातियों के साथ विवाह करने से प्रतिबंधित नहीं किया है और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के अनगिनत क्षेत्रों द्वारा हमेशा उनका सम्मान किया गया है। हालांकि वे आपके वंश के बारे में उत्सुक हो सकते हैं, लेकिन वे किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपके आदिम वंश के कारण वे आपको ड्रैगन गॉड दायरे में आमंत्रित करेंगे। यदि आपने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वे इसे आप पर थोपेंगे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... ये शिष्य अब समझता है। जानकारी के लिए धन्यवाद मास्टर। उन संप्रदायों और सितारा क्षेत्रों की तुलना में जो अपने खून खराबे के लीक होने से डरते थे, ड्रैगन गॉड दायरे के पास वास्तव में एक का आचरण था जो अनगिनत जानवरों के संप्रभु ईश्वर क्षेत्र के शीर्ष पर खड़ा था। हालांकि युचे ने अभी भी अपनी आत्मा में 3 शब्दों ड्रैगन गॉड रियलम को दृढ़ता से अंकित किया है।
क्योंकि न केवल उसके शरीर में ड्रैगन गॉड की रक्त रेखा थी, बल्कि उसके पास ड्रैगन गॉड की आत्मा और ड्रैगन गॉड मज्जा भी थी। जब प्रिमोर्डियल अज़्योर ड्रैगन ने उन्हें ये प्रदान किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया था। उनकी ड्रैगन गॉड आत्मा और ड्रैगन गॉड मज्जा ही अस्तित्व में थे। दूसरे शब्दों में, वह एकमात्र व्यक्ति था जिसके पास ड्रैगन भगवान की आत्मा और ड्रैगन भगवान की मज्जा थी। ड्रैगन गॉड क्षेत्र उसके वंश के संबंध में बहुत संवेदनशील नहीं हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि एकमात्र ड्रैगन गॉड आत्मा और ड्रैगन गॉड मज्जा के प्रति उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हालांकि वह इस समय पूर्वी दिव्य क्षेत्र में था और अपने जीवन काल में कभी भी पश्चिमी दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखेगा, फिर भी सावधान रहना सबसे अच्छा होगा और उसे स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को उजागर करने की वही गलती नहीं करनी चाहिए। मू जुआनिन ने सख्ती से कहा, चूंकि आप वर्तमान में ईश्वर क्षेत्र में हैं और आप अनंत स्वर क्षेत्र की ओर जाने पर आमादा है, इसलिए आपको ईश्वर क्षेत्र के बारे में थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। हालांकि उससे पहले आपके लिए एक और भी महत्वपूर्ण मामला है जिस पर ध्यान देना है। क्या बात है मास्टर, कृपया मुझे अपना निर्देश दे। टी यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट, म्यू जुआनिन ने धीरे धीरे एक ही नाम बोला। यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट, यू चे ने सांस लेते हुए बुदबुदाया। ये स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की दवा का नाम था, लेकिन वास्तव में इसके नाम में ब्रह्मांड शब्द था, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि यह निश्चित रूप से बेहद असाधारण था। मास्टर ये है, म्यू जुआनिन की आंखें हल्की चमक उठी। चूंकि आपने अपनी गहन शक्ति को बढ़ाने के लिए आइस फीनिक्स वाइटल यिन का उपयोग करने की धारणा को खारिज कर दिया है, तो मैं केवल एक विधि के बारे में सोच सकता हूं जो आपको गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दिव्य क्लेश क्षेत्र को प्राप्त करने की अनुमति देगा। वह विधि यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट है। यून चे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई जब उसने अविश्वास में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह ब्रह्मांड पेंटा जेड पैलेट संभवतः मेरी गहन शक्ति को 2 वर्षों में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति दे सकता है? नहीं, म्यू जुआनिन ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। यह ऐसा मामला नहीं है कि यह संभव है या नहीं, क्योंकि यह निश्चित रूप से होगा। और तो और इसमें 2 साल भी नहीं लगेंगे। यदि आप एक यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने शरीर के भीतर सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकते हैं, तो वह एकल गोली सीधे आपकी गहन शक्ति को दैवीय क्लेश क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे का मुंह खुला रह गया, लेकिन वह ज्यादा उत्तेजित नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने शांत स्वर में कहा, यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट प्राप्त करना बेहद कठिन होना चाहिए, है ना? एक दवा जो दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में किसी को सीधे दैवीय क्लेश क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति देगी, इसे ईश्वर क्षेत्र में भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली वस्तु माना जाएगा, तो यह ऐसी चीज कैसे हो सकती है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? यदि ऐसा होता तो म्यू जुआनिन ने पहले उस विधि का सुझाव देना नहीं चुना होता जो बहुमत का बलिदान कर देती। आइस फीनिक्स महत्वपूर्ण यिन उनके पास थे। यह न केवल अत्यंत कठिन है, वास्तव में यह आपकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण है। भले ही आपने स्नो सॉन्ग क्षेत्र की पूरी शक्ति समाप्त कर दी हो, अगले 2 वर्षों के भीतर इसे ढूंढना अभी भी स्वर्ग पर चढ़ने जितना ही कठिन होगा। मू जुआनिन ने बेरुखी से वे शब्द कहे जिससे यून चे को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इससे पहले कि कोई यूनिवर्स पेंटा जेड पैलेट को परिष्कृत करने में सक्षम हो, आपके पास 5 अत्यंत दुर्लभ और प्राप्त करने में कठिन वस्तुएं होनी चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में पूरी तरह से अलग तरह की शक्ति होती है। ये 5 वस्तुएं हैं क्विलिन हॉर्न, प्राचीन ड्रैगन हॉट, वुड स्पिरिट और 9-स्टार डिवाइन बुद्धा जेड और इमोर्टल एम्पर अग्रास। जैसा कि नाम से पता चलता है, किलिन हॉर्न का तात्पर्य किलिन के सीन से है। इस एक आइटम के अलावा यून चे ने कभी भी उन अन्य नामों में से कोई भी नहीं सुना था, इसलिए वह ये भी समझ नहीं पाया कि वे क्या थे। इसके अलावा किलिन के नाम से जाना जाने वाला रहस्यमय प्राणी कुछ ऐसा था जो केवल प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट और इल्यूसरी डेमन दायरे के इतिहास में मौजूद था। कोई नहीं जानता था कि क्या वे वास्तव में पहले कभी अस्तित्व में थे, लेकिन चूंकि मू जुआनिन ने किलिन सीन का नाम रखा था, इससे कम से कम ये साबित हुआ कि किलिन केवल कल्पना की कल्पना से बना एक गहरा जानवर नहीं था। म्यू जुआनिन ने बिना जल्दबाजी के वहीं से आगे बढ़ना शुरू कर दिया जहां से उसने छोड़ा था। प्राचीन ड्रैगन हॉट बस एक प्राचीन ड्रैगन का दिल है। इसके अलावा इस प्राचीन ड्रैगन को एक सच्चा ड्रैगन होना चाहिए जो 1 लाख से अधिक वर्षों से जीवित है और हृदय को संपूर्ण और परिपूर्ण होना चाहिए। यून चे का सिर तेजी से ऊपर की ओर झटका लगा। मास्टर, पूरे सींग वाले ड्रैगन का दिल जो आपने पिछले दिनों फ्लेम गॉड दायरे से मांगा था, क्या यह इसके लिए हो सकता है?
वह सींग वाला ड्रैगन जो प्राचीन गॉड बरियंग इन्फेनो जेल में रहता था मात्र 1 लाख तक जीवित नहीं रहा था साल। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, न्यू जुवानेन ने ठंडे स्वर में उसकी बात काटते हुए कहा। अगर यह सिर्फ एक सींग वाले अजगर का दिल है, भले ही हमने सफलतापूर्वक एक प्राप्त कर लिया हो, अगर आप अन्य 4 सामग्री नहीं पा सकते हैं तो ये पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। यूचे दोबारा नहीं बोला, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। जहाँ तक वुड स्पिरिट ऑर्ब की बात है, वह वुड स्पिरिट रेस का जीवन मूल ऑर्ब है। हम इसे केवल वुड स्पिरिट रेस से संबंधित किसी व्यक्ति के शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। वुड स्पिरिट रेस। यूचे उन शब्दों से कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत याद आया कि उसने ये नाम पहले जैस्मीन के मुंह से सुना था, और उसने ये भी उल्लेख किया था कि इस जाति में बहुत मजबूत प्राकृतिक ऊर्जा थी। मू जुआनिन ने आगे बढ़ने से पहले उसकी ओर देखा। वुड स्पिरिट रेस एल्वेन रेस की एक शाखा है। उनके पास प्राकृतिक ऊर्जा है जो इस दुनिया में अद्वितीय है, और वे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और पौधों के विकास को गति देने में भी सक्षम है। लेकिन जो बात उनकी अत्यंत शुद्ध और विशेष प्रकृति की ऊर्जा से मेल नहीं खाती, वही ये है कि उक्त ऊर्जा की आक्रामक शक्ति बेहद कमजोर है। इस तथ्य के कारण उन्हें अक्सर गुलाम के रूप में लिया जाता था जो स्पिरिट मेडिसिन की खेती में मदद करते थे। इसके अलावा न केवल उनके जीवन की उत्पत्ति का गोला जो कि वुड स्पिरिट ओब भी है, उसमें प्राकृतिक ऊर्जा का शुद्धतम रूप होता है, इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले घटक के रूप में भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसका एक और जबरदस्त प्रभाव भी है जिसके बारे में हर कोई जानता है। जैसे जैसे दवा की गुणवत्ता बढ़ती है, उक्त दवाओं को परिष्कृत करने की कठिनाई भी बढ़ती जाती है। इसके अलावा जैसे ही कोई असफल होता है, इसका परिणाम बहुत बड़ा नुकसान होगा। वास्तव में ये संभव है कि सैकड़ों या हजारों वर्षों की संचित सामग्री भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप शोधन प्रक्रिया के दौरान वुड स्पिरिट ऑर्ब की ऊर्जा डालें, तो सफलता की दर जबरदस्त मात्रा में बढ़ जाएगी। वुड स्पिरिट ऑर्ब के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, उस शोधन का सफल होना उतना ही आसान होगा। इस वजह से वुड स्पिरिट रेस के लोगों को क्रूरतापूर्वक गुलाम बनाया गया और उनका शिकार किया गया, और उनमें से बहुत कम बचे हैं। भले ही वुड स्पिरिट रेस की गुलामी या शिकार ने अब धर्मी संप्रदायों के क्रोध को भड़का दिया है, और अब कोई भी बेशर्मी से जंगली चलने की हिम्मत नहीं करता है, वुड स्पिरिट रेस की गुप्त रूप से तलाश करने या शिकार करने वाले गहन चिकित्सकों की संख्या में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। परिणाम स्वरूप वुड स्पिरिट रेस कई वर्षों पहले से विलुप्त होने के कगार पर है। उद्धरण चिन्ह .. दुनिया में सबसे शुद्ध प्राकृतिक ऊर्जा के स्वामी के रूप में उन्हें स्वर्ग द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन किसने सोचा होगा कि उनके शरीर के भीतर अत्यंत और स्पष्ट रूप से पवित्र प्रकृति ऊर्जा उनके बुरे सपनों का स्रोत बन जाएगी। यूचे धीरे से बुदबुदाया। कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि वुड स्पिरिट रेस धीरे धीरे कम होने के कारण वुड स्पिरिट ऑर्ब्स की कीमत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, और बदले में ये स्वाभाविक रूप से उन शिकारियों को और भी अधिक पागल और हताश कर देगा। भले ही वुड स्पिरिट रेस का शिकार करना और उसे मारना स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन है, अन्य 4 वस्तुओं की तुलना में वुड स्पिरिट और प्राप्त करना सबसे आसान है। जब तक आप पर्याप्त कीमत चुकाने को तैयार हैं, कोई इसे निचले सितारा क्षेत्रों के काले बाजारों में खरीद सकेगा। लेकिन अगर कोई 70% से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से बना वुड स्पिरिट और ढूंढना चाहता है, तो ये सामान्य से 100 गुना अधिक कठिन होगा। न्यू जुवानेन ने घोषणा की जैसे उसकी भौहें आपस में जुड़ गई हो। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वुड स्पिरिट ऑर्ब के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करना बहुत आसान है? यूचे ने पूछा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वुड स्पिरिट ऑर्ब को उच्चतम गुणवत्ता के काले जेड के भीतर रखा जाना चाहिए। हालांकि जब वुड स्पिरिट ऑर्ब को संग्रहित किया जा रहा होता है, तो आध्यात्मिक ऊर्जा आमतौर पर नष्ट नहीं होती है। जब वुड स्पिरिट ऑर्ब निकाला जा रहा होता है, तो ये खो जाता है। यूचे, इसे कब निकाला जा रहा है? जिस क्षण वुड स्पिरिट ऑर्ब निकाला जाएगा, वुड स्पिरिट मर जाएगा। लेकिन क्योंकि वुड स्पिरिट ऑर्ब के भीतर मौजूद ऊर्जा बहुत अधिक शुद्ध है, जिस क्षण यह वुड स्पिरिट के शरीर को छोड़ती है, ऑर्ब के भीतर की ऊर्जा तेजी से नष्ट होने लगेगी। इसके अलावा जब लकड़ी की आत्मा को पता चलता है कि वह निश्चित रूप से मरने वाला है, तो वह अपनी आत्मा की कक्षा को नष्ट कर देगा। यदि ऐसा मामला है, तो 50% आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित करना भी बेहद कठिन होगा, 70% तो दूर की बात है। इसलिए यदि कोई एक वुड स्पिरिट और प्राप्त करना चाहता है जिसमें अभी भी 70% या उससे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, तो उसे एक वुड स्पिरिट को मारना होगा, जबकि वे अभी भी अनजान है, और वुड स्पिरिट और को एक ब्लैक जेड बॉक्स के भीतर अधिकतम मात्रा में निकालकर संग्रहित करना होगा।
संभावित गति। ऐसे मामले में भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का 80% संरक्षित करने में सक्षम होना पहले से ही सर्वोत्तम संभव परिदृश्य है। लेकिन एक वुड स्पिरिट की शक्ति उन्हें धारणा की अत्यंत तीव्र शक्तियां प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप वे दुष्ट इरादे जैसी चीजों के प्रति भी बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में पता चले बिना वुड स्पिरिट का शिकार करने और उसे मारने की कोशिश करना कुछ ऐसा है जिसे पूरा करना अतुलनीय रूप से कठिन है। चूंकि यह मामला है, वुड स्पिरिट ऑर्ब्स जो अभी भी है, इसकी अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा व्यवहारिक रूप से अमूल्य है। एक और परिदृश्य भी है जहां एक वुड स्पिरिट स्वेच्छा से अपने जीवन का बलिदान देता है और अपने शरीर से वुड स्पिरिट ऑर्ब को निकालता है। इस तरह की परिस्थितियों में इस तथ्य के कारण कि वुड स्पिरिट की जीवन शक्ति के साथ अभी भी कुछ संबंध होगा, ये वुड स्पिरिट ऑर्ब की आध्यात्मिक ऊर्जा के सभी 100% को पूरी तरह से संरक्षित करेगा। हालांकि इस तरह का परिदृश्य स्वाभाविक रूप से लगभग कभी नहीं होता है। यून चे ने म्यू जुआनिन की बातें गंभीरता से सुनते हुए अपना सिर हिलाया। जहां तक नौ सितारा दिव्य बुद्ध जेड और अमर सम्राट घास का सवाल है, म्यू जुआनिन की भौहें एक बार फिर एक साथ जुड़ गईं और उसने आगे कहा, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें पूरे ईश्वर क्षेत्र में ढूंढना बेहद कठिन है, दुर्लभ खजाने जो बहुत से लोगों के पास भी नहीं है के बारे में जानना। उनका अस्तित्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप वर्तमान में समझना भी शुरू कर सके। मैंने पहले ही दूसरों को उनकी तलाश के लिए भेज दिया है। हम उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से आपके सौभाग्य पर निर्भर करता है। फिर किलिन हॉर्न के बारे में क्या? यू चे ने अनजाने में पूछा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके बारे में मू जुआनिन ने बात नहीं की थी। यही वह कार्य है जो मैं आपको आगे सौंपने जा रहा हूँ, मू जुआनिन ने कहा। यू चे को अचानक समझ आ गई, क्या ऐसा हो सकता है कि किलिन हॉर्न की खबर पहले से ही हो? पूर्वी दैवीय क्षेत्र में किलिन बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, इसलिए मैंने लोगों को पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में उनकी खोज करने के लिए भेजा। लेकिन उसके बाद मैं पूरी तरह से संयोग से कुछ पता लगाने में कामयाब रहा। मुझे जो पता चला वह ये था कि स्नो सॉन क्षेत्र में कहीं अभी भी एक पूरा किलिन हॉर्न मौजूद था। मू जुआनिन ने भावहीन होकर कहा, ये स्नो सॉन्ग दायरे के उत्तरी भाग में है, जिसे आइस विंड एम्पायर कहा जाता है, बर्फ पवन साम्राज्य। यून चे मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन उसके बाद उन्हें तुरंत कुछ याद आया, द आइस विंड एम्पायर जहां म्यू हन्नी का जन्म हुआ था। ये सही है, म्यू जुआनिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जिस किलिन हॉर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं वह एक आइस किलिन हॉर्न है और आइस विंड एम्पायर ने इसे लगभग 1,00,000 वर्षों से पारित कर दिया है। उन्होंने इसे अपने हेलीडोम के रूप में नामित किया है। इस स्नो सॉन क्षेत्र में अनगिनत राष्ट्रों का उत्थान और पतन हुआ है, लेकिन आइस विंड साम्राज्य लगभग 1,00,000 वर्षों तक फलने फूलने में सक्षम रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उनके हेलीडोम के अस्तित्व के कारण है। तो यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे अत्यधिक श्रद्धा और महत्व में रखा जाता है, इसलिए उन्हें इसे सौंपना स्वाभाविक रूप से कठिन होगा। इसके अलावा ये जल्द ही आइसविंड साम्राज्य के वर्तमान शासक का 1,000वां जन्मदिन होने जा रहा है, तो आपको उस किलिन हॉर्न को प्राप्त करने और वापस लाने के लिए म्यू हन्नी के साथ आइसविंड एम्पायर में जाना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसे म्यू हन्या भी नहीं जान सकता, आइसविंड एम्पायर तो दूर की बात है। आप इसे कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं यह आपकी अपनी क्षमता पर निर्भर करेगा। यदि म्यू जुआनिन ने बस एक शब्द भी कहा तो आइस विंड एम्पायर निश्चित रूप से इसे पेश करने के लिए हजारों मील दौड़ेगा बिना इसकी परवाह किए कि यह हेलीडोम है या नहीं। वे एक पाद मारने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, तो यह मुश्किल कैसे हो सकता है? उसके बाद यून चे तुरंत समझ गया। ये स्पष्ट रूप से एक परीक्षण और एक प्रकार का गुस्सा था जिससे म्यू जुआनिन उसे गुजरना चाहता था। साथ ही यह उसे वास्तव में ईश्वर क्षेत्र के संपर्क में आने की भी अनुमति देगा। आखिरकार जब से वह ईश्वर क्षेत्र में आया है उसने दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के बाहर एक कदम भी नहीं उठाया है। समझा, यून चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर जोर से हिलाया। ये शिष्य निश्चित रूप से गुरु को निराश नहीं करेगा। आखिरकार वह स्नो सॉन्ग रियलम किन का प्रत्यक्ष शिष्य था। एक बार जब वह अपनी स्थिति प्रस्तुत कर देता तो किसी देश के सम्राट को भी उसके साथ आदर और सम्मान से पेश आना पड़ता। भले ही यह हेलीडोम हो, इसे प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? आखिरकार इस स्नो सॉन्ग दायरे में कौन स्नो सॉन्ग दायरे के राजा को कोई चेहरा देने की हिम्मत नहीं करेगा? ये विचार यूचे के दिल में घूम रहे थे। बहुत अच्छा, म्यू जुआनिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, जब आप इस बार आइस विंड एम्पायर में जाएंगे तो आपकी रक्षा के लिए आसपास कोई नहीं होगा। तो आपको न केवल किलिन हॉर्न प्राप्त करना है, आपको एक अन्य चीज भी हासिल करनी है।
जिंदा वापस आओ। यूं चेका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके बाद उसकी नजरें झुक गईं। उसने फिर से अपना सिर हिलाया। हाँ, शिष्य इसे अपने हृदय में अंकित कर लेगा। न्यू जुवानयन का हाथ बढ़ा और उसके हाथ के हल्के झटके से एक सफेद और लाल जैद की बोतल धीरे से उड़ गई और यूं चेके हाथों में आ गिरी। सफेद बोतल में एक सींग वाले अजगर की सांस है, मू जुआनयन ने कहा। बिंग्यून 1000 साल पहले इसके जहर से प्रभावित हुआ था, इसलिए मैं तब से इस पर शोध कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसे शुद्ध करने का कोई तरीका खोजने की उम्मीद थी। लेकिन अब जब बिंग्यून के शरीर से जहर पूरी तरह से साफ हो गया है, तो इसे अब रखने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि आपके शरीर पर स्काई पॉइजन पल है, इसलिए आपके लिए जहर को संभालना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान है, इसलिए मैं इसे आपको दे रहा हूँ। जहां तक लाल बोतल की बात है, इसमें एक सींग वाले अजगर का खून है। जैसे ही उसने एक सींग वाले अजगर के खून का जिक्र किया, मू जुआनिन की निगाहें अकथनीय रूप से ठंडी हो गईं और उनमें एक भी लहर दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने युनचे के खिलाफ योजना बनाने के लिए कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। यह मेरे लिए पहले से ही बेकार है। हम शायद आपको इसके लिए कुछ उपयोग मिल सके। युनचे ने व्यक्तिगत रूप से सींग वाले ड्रैगन के खून की भयानकता का अनुभव किया था। सींग वाले अजगर की सांस इतनी जहरीली थी कि इसके कारण दैवीय संप्रभु क्षेत्र की शक्तिपीठ म्यू बिंग्यून को लगभग अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए वह अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि यह कितना भयानक था। बोलने से पहले उसने सावधानी से दोनों बोतलें निकाल ली। धन्यवाद मास्टर, साथ ही इस शिष्य को आइस विंड एम्पायर के लिए कब निकलना चाहिए? अभी, म्यू बिंग्यून ने इत्मीनान से उत्तर दिया। अभी, यू चे ने स्तब्ध स्वर में कहा, मुहान्या को पहले से ही आइस फीनिक्स सिटी में होना चाहिए। उसके अलावा अभी भी एक और व्यक्ति होगा, वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा कि यह कौन है। उसकी बर्फीली भौहें थोड़ी तिरछी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको तैयारी के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यू चे ने तुरंत अपना सिर हिलाया, ये शिष्य अब बाहर जाएगा। हेवनली नेदरफ्रॉस्ट झील के चारों ओर का अवरोध खुल गया और युनचे तुरंत चला गया और सीधे आइस फीनिक्स सिटी की ओर चला गया। आइस फीनिक्स सिटी के विशाल क्षेत्र में सभी दिशाओं में बर्फ उड़ रही थी और गिर रही थी। जब युनचे सेक्रेड हॉल क्षेत्र से बाहर निकला, तो उसे कुछ दूरी पर किसी का इंतजार करते हुए व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। उसकी आभा पूरी तरह से नियंत्रित थी, क्योंकि वह बिना कोई शोर मचाए चुपचाप खड़ा था। उस पर गिरी बर्फ की मोटाई से यह बताना आसान था कि वह काफी समय से इंतजार कर रहा था। युनचे को बाहर आते देख वह व्यक्ति लगातार गिर रही बर्फ में नहाते हुए तुरंत उसके पास आ गया। मुस्कुराते हुए उसने युनचे के प्रति पारंपरिक अभिवादन किया। हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे वरिष्ठ भाई युनचे। वरिष्ठ भाई हनी, आपको इतनी देर तक इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, युनचे ने अपना अभिवादन वापस करते हुए कहा। मुहन्या ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, हनी वास्तव में वरिष्ठ भाई कहलाने के लायक नहीं है, इसलिए मैं वरिष्ठ भाई युनचे से अनुरोध करता हूँ कि वह मुझे इस तरह से संबोधित न करे, अन्यथा मेरी हालत खराब हो जाएगी निरंतर बेचैनी का। हा हा हा, युनचे हंसे, ठीक है, अब जब मैं आइस विंड एम्पायर जा रहा हूँ, तो मुझे जूनियर भाई हनी को मेरी देखभाल करने में परेशानी होगी। मुहानी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। सीनियर भाई युनचे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये हनी रॉयल फादर और यहाँ तक कि आइस विंड एम्पायर के लिए अभूतपूर्व खुशी और गौरव की बात है कि आप रॉयल फादर के 1000वें जन्मदिन समारोह में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आ रहे हैं। मैं संप्रदाय गुरु के इस तरह के उपकार के बिल्कुल योग्य नहीं हूँ और वास्तव में कभी भी इसका बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। अभूतपूर्व, युनचे को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई, ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह, काफी समय हो गया है जब से आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आए हैं, अन्यथा आपके पास इस तरह का प्रश्न पूछने का कोई तरीका नहीं था। मुहन्या ने आह भरी। हनी को हमेशा आइस विंड इंपीरियल परिवार में पैदा होने पर गर्व रहा है, लेकिन एक राजा का जन्मदिन समारोह काफी कम होता है एक संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के भाग लेने का स्तरीय अवसर। उद्धरण चिन्ह, हनी ने अभी तक रॉयल फादर को इस मामले के बारे में सूचित नहीं किया है। मुझे डर है कि जैसे ही रॉयल फादर को ये खबर मिलेगी, उन्हें इस पर विश्वास करना बहुत रोमांचक और आनंददायक लगेगा। मुहन्या ने पूरी ईमानदारी से कहा, अगर स्नो सॉन्ग क्षेत्र के अनगिनत अन्य राष्ट्रों और संप्रदायों को इसके बारे में पता चला, वे शायद ईर्ष्या से मरने जैसा महसूस करेंगे। हाँ हाँ, उन्होंने स्नो सॉन्ग क्षेत्र में प्रवेश किया, जो पहचान उन्होंने प्राप्त की थी वह एक सम्राट की स्थिति से कहीं अधिक थी। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के इतिहास में यह शायद पहचान में सबसे अतिरंजित छलांग थी।
आपने कहा था कि आपने अभी तक अपने रॉयल को सूचित नहीं किया है पिता। हाँ, मू हनी ने सहमति में सिर हिलाया। हनी को कल प्रस्थान करना था, लेकिन प्रस्थान के समय अचानक संप्रदाय गुरु से सीधा आदेश मिला, इसलिए हनी अब तक इंतजार कर रही थी। इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि यह इतना बड़ा सुखद आश्चर्य होगा। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी अभी अभी मास्टर का आदेश मिला है। ऐसा लगता है कि मास्टर हमेशा जूनियर भाई हानी के बारे में कुछ हद तक चिंतित रहे हैं। मू हान्या ने अपना सिर उठाया और उसकी अभिव्यक्ति का पता लगाना संभव नहीं था, लेकिन उसका स्वर स्पष्ट रूप से उत्तेजना से कांप रहा था। यही कारण है कि हानी ने कहा कि इस तरह के एहसान का बदला देना व्यवहार्य नहीं लगता। वरिष्ठ भाई यून चे शायद नहीं जानते होंगे कि दयालुता के इस कार्य से न केवल हानि को फायदा होगा, बल्कि स्नो सोंग में आइस विंड एम्पायर की स्थिति में भी भारी बदलाव आएगा। क्षेत्र यू चे, ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उत्साह में इतना डूब गया था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण बात लगभग भूल ही गया था। मू हनी ने एक चमकदार और चकाचौंध ध्वनि ट्रांसमिशन जेड निकाला। मैं ये बात तुरंत रॉयल फादर को बताऊंगा ताकि वह पर्याप्त तैयारी कर सके। इंतजार, यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया। इस मामले के बारे में अपने शाही पिता को पहले से सूचित करने से बचना बेहतर होगा। आखिरकार मुझे मास्टर ने उन्हें बधाई देने के लिए नामांकित किया है। यदि उन्होंने मेरे स्वागत के लिए बहुत अधिक तैयारियां की तो मैं समाप्त कर दूंगा। हर किसी का ध्यान इस पर केंद्रित होगा जो इस यात्रा के पीछे के कारण के विपरीत होगा। म्यू हनी थोड़ा चकित हुआ, फिर उन्होंने साउंड ट्रांसमिशन जेड को हटा दिया और ईमानदारी से कहा, वरिष्ठ भाई यूनचे के पास न केवल बेहद आश्चर्यजनक प्रतिभा है, बल्कि वह इतने व्यापक दिमाग वाले भी हैं कि हानी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। चूंकि यह मामला है, हानी खुशी से स्वीकार करेंगे आपकी सलाह। रॉयल फादर को इतना बड़ा सुखद आश्चर्य देना भी एक अच्छा विचार लगता है। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह व्यापक सोच है तो मैं आपसे कहीं ज्यादा खराब हूँ। म्यू हन्याय हल्के से आह भरने से पहले हल्की कठोर अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुराया, वरिष्ठ भाई यू चे, हन्याय के पास ऐसा दिल नहीं है जो सब कुछ समायोजित कर सके। सच कहूँ तो मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, नहीं सही कहें तो आपसे ईर्ष्या हो रही है। मेरे मन में कई दिनों तक आपके प्रति नाराजगी भी रही। यून चे, मू हान्या ने एक जबरदस्त मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, शायद वरिष्ठ भाई यून चे ने उन दो चीजों के बारे में सुना है जिनकी हन्या इन वर्षों में संप्रदाय में इच्छा रखता है। पहला, प्रत्यक्ष शिष्य बनना सेक्ट मास्टर, दूसरा, जूनियर सिस्टर फिक्स्यू का दिल जीतना। हालांकि अंत में उस दिन जब हानी नेदरफ्रॉस्ट हेवनली लेक में वरिष्ठ भाई यून चे से हार गए तो हानी को आत्म पता था कि यह एक कुचलने वाली निष्पक्ष और चौकोर हार थी, लेकिन मैंने अभी भी अपने दिल में शिकायत बरकरार रखी और कई दिनों तक उदास रहा। और आधा एक महीने पहले जब सेक्ट मास्टर ने वरिष्ठ भाई यून चे को जूनियर सिस्टर फिक्स्यू प्रदान की थी, इस समय मू हनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह काफी शांत लग रहे थे, लेकिन उनकी आवाज का लहजा और उनकी आंखों के भाव उनके दिल और दिमाग में अशांति को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उन्होंने आगे बोलना जारी नहीं रखा और इसके बजाय एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी, मैंने निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई यून चे के सामने खुद को शर्मिंदा किया। नहीं, यून चे ने कहा, यदि आपके जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें किसी और के द्वारा छीन ली जाए तो एक महान सच्चे संत के लिए भी उन नकारात्मक भावनाओं से आसानी से छुटकारा पाना असंभव होगा। मैं केवल ऐसा कर सकता हूँ इतनी शांति से मुझे अपने विचार बताने के लिए तैयार होने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा महसूस करे। लेकिन मू हान्या ने अपना सिर हिलाया, वरिष्ठ भाई यून चे की गहन शक्ति इस समय कम हो सकती है, लेकिन जब प्रतिभा की बात आती है तो हान्या का कोई मुकाबला नहीं है। ये स्वाभाविक था कि संप्रदाय गुरु अपने प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में वरिष्ठ भाई यून चे को चुनेंगे। जूनियर सिस्टर फिक्स्यू एक परी जैसी इंसान है और पूरे स्नो सोंग क्षेत्र में केवल सीनियर ब्रदर यून चे जैसी क्षमता वाला व्यक्ति ही उनका हकदार है। उनके प्रति मेरी भावनाएं एक तरफा मोह से अधिक कुछ नहीं थी और हानी वास्तव में पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं इन सब में। बात सिर्फ इतनी थी कि हनी अभी भी उदास थी, शांति महसूस करना मुश्किल था। अब जब हनी ने वरिष्ठ भाई यून चे के सामने सब कुछ कबूल कर लिया है तो हनी का दिल पहले की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक स्थिति में है। वरिष्ठ भाई यून चे का सामना करते हुए म्यू हन्याय ने अतुलनीय रूप से गंभीर दृष्टि से कहा, हन्याय बेशर्मी से आपसे एक चीज मांगना चाहता है। उद्धरण चिन्ह .. आगे बढ़ो। एक आइस फीनिक्स महिला की साधना उसके महत्वपूर्ण इनको खोने के बाद बहुत धीमी हो जाएगी।
और वरिष्ठ भाई युनचे स्वयं एक अत्यंत उच्च प्रतिभा के मालिक हैं। मुहनी ने हल्की सांस ली, तो एक दिन आएगा जब वरिष्ठ भाई युनचे की खेती जूनियर सिस्टर फिक्सू से आगे निकल जाएगी। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि सीनियर भाई युनचे हमेशा जूनियर सिस्टर फिक्सू के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। ये सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं किया गया था कि म्यू फिक्सू को युनचे ने अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान वह शायद ही कभी सेक्रेट हॉल में दिखाई दी। इसलिए कुछ लोगों को छोड़कर संप्रदाय में हर किसी को दृढ़ता से विश्वास था कि वह पवित्र हॉल में युनचे की सेवा कर रही थी। आखिरकार महान संप्रदाय सभा के दौरान संप्रदाय के गुरु ने स्वयं इसका आदेश दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह युनचे ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं अपनी पत्नी को कभी शिकायत का शिकार नहीं होने दूंगा। अपनी बात खत्म करके युनचे उससे दूर हो गया। उसने दूर के विशाल सफेद आकाश की ओर देखा, जैसे प्रकाश की असामान्य धारियां उसकी आंखों की गहराई से चमक रही थी। ये व्यक्ति उस स्थिति में हनी भी अपने दिमाग को आराम दे सकता है, परिणाम पर कोई पछतावा महसूस नहीं कर रहा है। मुंह हनी ने आह भरी, ओ ठीक है, मास्टर ने कहा कि कोई है जो हमारे साथ जाएगा। युनचे ने कहा, क्या जूनियर ब्रदर हनी यह कौन है? मुंह हनी ने अपना सिर हिलाया, मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन उसने अपने शरीर को विपरीत दिशा में बगल में देखने के लिए घुमाया। जल्द ही एक बर्फ की नाव क्षितिज के विशाल विस्तार में दिखाई दी, जो बर्फ के माध्यम से यात्रा करते हुए उनके पास पहुंची। बर्फ की नाव पर नीले कपड़े पहने दो महिलाओं की आकृतियां थी। ये वास्तव में म्यू बिंगयुन और म्यू शियाओलान थे। एक ठंडी चमक चमकी, जिसके बाद बर्फ की नाव उनके ठीक सामने रुक गई थी। हालांकि युनचे ने उसे कई दिनों से नहीं देखा था, फिर भी वह हमेशा की तरह लग रही थी, एक परी की तरह जो नश्वर दुनिया में उतर आई है। उसकी संपूर्ण सुंदरता में त्रुटिहीन शीतलता थी, जो दूसरों को उसके प्रति गंदे विचार रखने में असमर्थ बनाती थी। म्यू जियाओलान को उसके पीछे देखा जा सकता था, जो नीले रंग का वस्त्र पहने हुए थी और उसके कोमल और सुंदर चेहरे पर उत्साह स्पष्ट था। पैलेस मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि आइस विंड एम्पायर में हमारे साथ जाने वाला व्यक्ति है? युनचे ने आश्चर्यचकित दृष्टि से कहा। ठीक है, यह मैं हूँ। म्यू जियाओलान अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। जब वह म्यू हन्याई की ओर मुड़ी तो उसका रवैया बहुत अधिक सम्मानजनक हो गया। वरिष्ठ भाई हनी, मैं आपको परेशान करूंगी। युनचे हनी, म्यू बिंगयुन ने कहा, जियाओलान के माता पिता निश्चित रूप से आइस विंड सम्राट के 1000वें जन्मदिन के जश्न में शामिल होने के लिए जाएंगे, जो इस बार आपकी यात्रा के साथ मेल खाता है। इसलिए जब आप वहां पहुंचे तो उसे जरूर बताएं उनके साथ पुनर्मिलन करें। साथ ही रास्ते में उसे नुकसान से बचाना भी सुनिश्चित करें। समझ गया, हनी अपने जीवन की गारंटी देता है कि मैं आइस विंड एम्पायर की इस यात्रा के दौरान जूनियर सिस्टर शियाओलान को सुरक्षित और स्वस्थ रखूंगा। मैं पहले इस मास्टर से निश्चिंत रहने के लिए कहता हूँ। मुंह हनी ने आदरपूर्वक गंभीर स्वर में कहा। हाँ, युनचे ने अंदर ही अंदर कराहते हुए जवाब दिया, मैं एक महत्वपूर्ण मामले की देखभाल के लिए आइस विंड एम्पायर जा रहा हूँ। अभी मैं ये भी नहीं जानता कि हेलिडोम पर अपना हाथ कैसे जमाऊं, और आप वास्तव में हमें ऐसा बोझ सौंप रहे हैं। हनी, तुम्हें कल निकल जाना चाहिए था, और अब तक इंतजार करने से तुम्हारी यात्रा में थोड़ी देरी हो गई है। यदि आप इस बर्फ की नाव पर सवारी करते हैं तो तुम्हें इसे समय पर पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। म्यू बिंगयुन बर्फ की नाव से उतरी और अपनी आंखों में अर्थपूर्ण दृष्टि से युनचे की ओर देखा। बर्फ की नाव आकाश में तैरने लगी और प्रकाश जितनी तेज गति से सीधे उत्तर की ओर बढ़ती हुई आगे बढ़ी। युनचे, बेशक वह है। युनचे ने एक लंबी आह भरी। पैलेस मास्टर बिंगयुन अभी भी सबसे सौम्य और नर्म व्यक्ति है। हो सकता है उसने ऐसा कहा हो, लेकिन उसका दिल इस समय कांप रहा था और हिल रहा था। मू ज़ुएनिन ने उसकी खातिर गोल्डन क्रो का बनिंग वर्ल्ड का रिकॉर्ड प्राप्त किया, और वह उसके अलावा किसी और के लिए सींग वाले ड्रैगन का बरकरार दिल चाहती थी। जब उसने अपनी गहरी ताकत को तेजी से बढ़ाने के बारे में सोचा तो उसने बड़ी संख्या में आइस फीनिक्स महिलाओं के महत्वपूर्ण इनका बलिदान देने में संकोच नहीं किया, जो कि संप्रदाय के इतिहास में कोई भी अभूतपूर्व रूप से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। भले ही वह यूनिवर्स पेंटाजेट पैलेट जैसी स्वर्ग को चुनौती देने वाली चीज के लिए सभी सामग्रियां जुटाने में सफल हो गई, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में संसाधनों की खपत की आवश्यकता होगी। लेकिन मू जुआनिन ने इतनी मांग करने वाली चीज को पूरा करने में संकोच नहीं किया। वह मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती है? क्या ये सचमुच सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं उनका प्रत्यक्ष शिष्य बन गया हूँ, साथ ही म्यू बिंगयुन की जान भी बचाई हूँ? अरे, आप इसे इस तरह नहीं रख सकते। मू जियाओलान डर के मारे थोड़ा उछल पड़ा।
अगर संप्रदाय के गुरु ने आपकी बातें सुन ली तो आपका अंत दुखद होगा। हाँ हाँ, मैं सीनियर सिस्टर ज़ियाओलिन के निर्देशों का गंभीरता से पालन करूंगा, यून चे ने असहाय स्वर में कहा। आइस विंड एम्पायर में पहुंचने के बाद वह लगातार किलिन हॉन के मामले को उठाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। हम्फ, भले ही आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बन गए हो, फिर भी आपको अपनी वरिष्ठ बहन की बातें सुननी चाहिए। मू ज़ियाओलिन ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। यदि आप वास्तव में मास्टर के प्रति कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो आइए देखें कि जब हम आइस फीनिक्स पैलेस में लौटेंगे तो आपने जैसा कहा था वैसा करते हैं या नहीं। केवल अपने मुंह का उपयोग न करें और इसे अपने दृष्टिकोण में न दिखाएं। हाँ हाँ हाँ, यू चे ने मशीन की तरह सिर हिलाया। म्यू हान्या ने आश्चर्य से भरे चेहरे से उनकी ओर देखा। जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को संबोधित किया उससे वह स्पष्ट रूप से हैरान थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने भावुक होकर कहा, वरिष्ठ भाई यू चे वास्तव में एक आकर्षक व्यक्ति है। टीच, मू ज़ियाओलिन ने उनके शब्दों का खंडन करने से पहले असहमति की एक छोटी सी आवाज निकाली। वरिष्ठ भाई हनी केवल उसकी भयानकता के बारे में जागरूक न होने के कारण ऐसा कह रहे हैं। हम्फ, वह सिर्फ एक बुरा व्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सौभाग्य से वरिष्ठ भाई हनी एक पुरुष है। यदि आप एक महिला होती तो आपको उसके आसपास अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती। हा हा हा, मोहनी जोर से हंसे और फिर उसकी आंखों में अभिव्यक्ति दूर हो गई। एक आदमी को कामुक रूप से रोमांटिक होना चाहिए, अन्यथा सुस्त जीवन बिताना बर्बादी नहीं होगी। हालांकि वरिष्ठ भाई यूनचे के पास कनिष्ठ है बहन फिक्सियो, इसलिए मुझे डर है कि किसी अन्य महिला के लिए उसका ध्यान आकर्षित करना असंभव हो सकता है। हम्फ, वह बहुत आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा होगा। बर्फ की नाव हवा के विपरीत उड़ रही थी, ऐसी गति से यात्रा कर रही थी जो प्रकाश जितनी तेज लग रही थी। रास्ते में म्यू हान्या ने आइस विंड साम्राज्य के इतिहास, स्थानीय परिस्थितियों और रीति रिवाजों के बारे में बताया और समय बहुत जल्दी बीत गया। एक दिन के भीतर बर्फ की नाव अंततः आइस विंड साम्राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। बाद में ये तेजी से शाही शहर के केंद्र के पास पहुंच गया। इस समय म्यू हान्या ने आइस विंड सम्राट को सीधे संदेश देने के लिए ध्वनि ट्रांसमिशन जेड निकाला। शाही पिता, आपका बेटा अभी शाही शहर के करीब है और थोड़ी देर में आ जाएगा। मेरे साथ संप्रदाय के दो सम्मानित अतिथि भी हैं। आज आइस विंड इंपीरियल सिटी अपने राजा के 1000वें जन्मदिन समारोह के कारण विशेष रूप से गतिविधियों और यातायात से व्यस्त थी। अनगिनत मेहमान काफी दूर दूर के स्थानों से आ रहे थे। पूरे शाही शहर के वातावरण में व्यापक अंतर देखा जा सकता है। जैसे ही म्यू हनी ने साउंड ट्रांसमिशन जेड को दूर रखा, उसने एक छोटे आकार के गहरे जहाज को बेहद तेज गति से उड़ते हुए देखा। ये और भी करीब आता गया, शाही शहर के ठीक मध्य की ओर भी बढ़ रहा था। म्यू ज़ियाओलिन ने अपना सिर उठाया। जब उसे छोटे गहरे जहाज के सबसे आगे खड़े दो आकृतियों का स्पष्ट दृश्य मिला, तो उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने एक कांपती हुई चीख निकाली जिससे सुखद आश्चर्य और उत्तेजना दोनों हुई। पापा माँ, उद्धरण चिन्ह .. लान लान। जैसे ही म्यू ज़ियाओलिन चिल्लाया, गहरे जहाज पर मौजूद लोगों ने अपनी दिशा में देखा। सामने के दो जोड़े खुशी से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वे एक साथ गहरे संदूक से उड़ गए और म्यू ज़ियाओलिन के सामने पहुंचे। कुछ ही देर बाद बर्फ की नाव रुक गई। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि म्यू ज़ियाओलिन के माता पिता थे, जो आइस विंड एम्पायर के पूर्वी क्षेत्र में एक स्वतंत्र डोमेन के क्षेत्र के स्वामी थे और स्नो सॉन्ग क्षेत्र के प्रसिद्ध सीटू परिवार के वर्तमान प्रमुख थे। ये सीटू ज़ियोनेगिंग और उनकी पत्नी थे मैडम सीटू लिन लांग। ये सचमुच आप ही है। जैसे ही वे नाव पर पहुंचे, सीटू दंपत्ति ने उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया और तुरंत म्यू ज़ियाओलिन का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अविश्वास था। लिन लांग, तुम यहाँ क्यों हो? सीटू ज़ियोनेगिंग का चेहरा शांत था, लेकिन वह अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। मैं वरिष्ठ भाई हानी के साथ आया था। मास्टर ने विशेष रूप से इसकी अनुमति दी ताकि मैं आ सकूं और माँ और पिता से दोबारा मिल सकूं। जैसे ही म्यू ज़ियाओलिन ने बात की, उसकी आंखें लाल हो गईं। अपनी युवावस्था से ही वह अपने माता पिता के असीम प्यार में बड़ी हुई थी। हालांकि क्योंकि वह डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में प्रवेश कर चुकी थी, उसे उन्हें आखिरी बार देखे हुए कई साल हो गए थे। वरिष्ठ भाई हनी, इस नाम के कारण सीटू ज़ियोनेगिंग की नजर अचानक बदल गई, क्योंकि उसकी मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति अचानक बदल गई थी। शायद क्या आप हो सकते हैं? आह, आइए मैं सबको मम्मी पापा से मिलवा दूं। वह वरिष्ठ भाई मू हनी है। माँ और पिताजी ने शायद उसके बारे में पहले सुना होगा। मुहान्या, निश्चित रूप से। जिस क्षण म्यू ज़ियाओलिन के शब्द फीके पड़ गए, सीटू ज़ियोनेगिंग और उसकी पत्नी दोनों तुरंत मुड़े और म्यू हनी की ओर देखने लगे।
उनकी आंखें अनुमोदन से भरी थीं और थोड़ी उत्तेजना और आश्चर्य से भी। सीटू जियोंगयांग ने जल्दबाजी में कई कदम आगे चलने की पहल की और प्रशंसा करते हुए कहा, तो आप अफवाहों के सम्मानित राजकुमार म्यू हन्याई है। कहा जाता है कि महामहिम न केवल रूप और शोभा में बल्कि प्रतिभा में भी बेजोड़ है। आज आपसे मिलने के बाद ऐसा लगता है जैसे अफवाहों की तुलना नहीं की जा सकती। यह विश्वास करना लगभग असंभव है कि आपकी गहन शक्ति इतनी उम्र में दैवीय क्लेश क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गई है। आज महामहिम से व्यक्तिगत रूप से मिल पाना मेरा सौभाग्य है। एक वृद्ध कृषक के रूप में सितु जियोंगयांग के प्रत्येक शब्द में गहरी प्रशंसा और सदमा था। उसकी पत्नी उसके पास खड़ी होकर सहमति में सिर हिला रही थी। जब उसने मुहान्या को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने वाला व्यक्ति आइस विंड साम्राज्य का राजकुमार था, जिसके बारे में कई लोगों ने दावा किया था कि वह स्नो सॉन्ग क्षेत्र का सबसे सुंदर नायक था। वरिष्ठ भाई हानी ने संप्रदाय के भीतर मेरी बहुत देखभाल की है और कई अवसरों पर मेरी बहुत मदद की है। मैं आइस विंड एम्पायर में वापस आ सका और इस बार वरिष्ठ भाई हानी के कारण ही माँ और पिता से मिल सका, न्यू जियोलिन ने कहा। जैसे ही सीटू दंपत्ति ने ये शब्द सुने, वे और भी उत्साहित हो गए और आश्चर्यचकित भी हो गए। सितु जियोंगयांग ने अपने हाथ जोड़कर कहा, महामहिम हनी, आपने मेरी बेटी की जो देखभाल की है उसके लिए ये सितु जियोंगयांग अत्यंत आभारी है। ये कि मेरी बेटी महामहिम के इतनी करीब आ सकी, यह उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। वास्तव में मैडम, सीटू ने सिर हिलाते हुए थोड़ा मुस्कुराया और कहा, महामहिम की देखभाल पाने में सक्षम होने के लिए मेरी बेटी वास्तव में भाग्यशाली है। हमारा एक परिवार के रूप में फिर से एकजुट हो पाना भी उनकी महामहिम की दयालुता के कारण है। हम वास्तव में नहीं जानते कि हम आपके महामहिम के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, मू हन्यी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। आंटी और अंकल, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? एक बड़े भाई के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी होती है और इस बार मैंने मुश्किल से ही कुछ किया। सीटू जियोंगयांग ने एक बार फिर प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। महामहिम का जन्म, रूप और प्रतिभा, साथ ही महामहिम की अविश्वसनीय उपलब्धियां सभी अद्वितीय हैं। फिर भी महामहिम इतने विनम्र और विनम्र हैं, उनमें अहंकार का कोई संकेत नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई आपकी इतनी प्रशंसा करता है। इसे डर है कि वह फिर कभी महामहिम जैसा किसी को नहीं देख पाएगा। लिन लान अभी भी एक व्यक्ति है जिसका आपने अभी तक परिचय नहीं कराया है। ये कौन है? मैडम सीटू ने अपना ध्यान यू चे की ओर करते हुए पूछा। म्यू जियोलिन यू चे के पास खड़ी थी और उसने उत्साह से कहा, ये व्यक्ति जूनियर ब्रदर यू चे है। उद्धरण चिन्ह यू। म्यू जियोलिन ने यू चे का नाम कहना समाप्त ही किया था कि सीटू जियोंगयांग की भौहें सिकुड़ गईं और उन्होंने पूछा, यह पारिवारिक नाम काफी दुर्लभ है। अगर मुझे ठीक से याद है तो ये केवल ग्रेट ब्लू स्नो रीजन में मौजूद है। शायद, यू चे ने आगे बढ़ते हुए विनम्रतापूर्वक शिष्टाचार के साथ कहा, आंटी और अंकल, ये जूनियर यू चे स्नो सॉन्ग क्षेत्र से नहीं है बल्कि निचले क्षेत्र से है। एक निचला क्षेत्र? सीटू जियोंगयांग ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। तो यह इस तरह था, यद्यपि जूनियर ब्रदर यूनचे का जन्म निचले क्षेत्र में हुआ था और उन्हें इस संप्रदाय में प्रवेश किए केवल 4 महीने से भी कम समय हुआ है, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वह, मू शियाओलिन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि सितु जियोंगयांग ने उसे टोक दिया, इस बर्फ की नाव के ऊपर बहुत ठंड है। मैं नहीं चाहता कि मेरा लानलान यहीं जमकर मर जाए। आगे बढ़ने से पहले हम गहन जहाज पर कदम रखे तो कैसा रहेगा? महामहिम हनी, यदि आपको हमारे गहन जहाज के बहुत सरल होने से कोई आपत्ति नहीं है तो आप भी हमारे साथ क्यों नहीं आते और हमारे साथ यात्रा नहीं करते? मू हन्यी ने शांति और विनम्रता से स्वीकार किया। हन्याई विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। सीटू जियोंगयांग ने ईमानदारी से म्यू हन्यी को आमंत्रित किया, लेकिन यूचे से पूछने का जरा सा भी इरादा नहीं दिखाया। वास्तव में मू जियोलिन द्वारा यूचे का परिचय कराने के बाद सीटू जियोंगयांग ने फिर से यूचे की ओर नहीं देखा था। दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र के पहले स्तर की उनकी गहन ऊर्जा, आभा और म्यू उपनाम की कमी के साथ साथ म्यू जियोलिन द्वारा उन्हें कनिष्ठ भाई के रूप में पेश करना सीटू जियोंगयांग की नजर में इसका मतलब केवल इतना था कि यूचे की स्थिति बहुत अधिक थी। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में म्यू जियोलिन की तुलना में बहुत कम। इसके अलावा उसका जन्म निम्न लोक में हुआ था जिससे उसका स्तर एक और नीचे गिर गया। अच्छा, मुझे एक बार फिर से हमारे परिवार के गहन संदूक की याद आ रही है। अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन से बहुत खुश म्यू शियाओलिन इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह उत्साहपूर्वक गहन जहाज पर अपना रास्ता बना रही थी।
यून चे ने अपनी नाक सिकोड़ ली और वह चुपचाप उसके पीछे चला गया। यद्यपि छोटा गहरे संदूक के भीतर की सजावट वास्तव में काफी शानदार थी, इसके अलावा किनारों पर खड़े नौकरों और गार्डों की आभा काफी घनी थी, जो सीटू परिवार की काफी बड़ी ताकत का प्रदर्शन करती थी। बेशक अगर सीटू परिवार इतना मजबूत नहीं होता तो शायद उन्हें आइस विंड सम्राट के 1000वें जन्मदिन समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता। अपने परिवार के गहन जहाज पर सवार होने के बाद म्यू शियाओलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घर लौट आई है, क्योंकि वह उत्साहित और ऊर्जावान हो गई थी। उसने स्वाभाविक रूप से यून चे की आस्तीन खींची और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही संप्रदाय की बर्फ की नाव काफी शक्तिशाली है, लेकिन यह मेरे परिवार के गहरे जहाज जितनी आरामदायक नहीं है। जब मैं छोटा था तो माँ और पिताजी मुझे ठंडी जगहों पर ले जाने के लिए इस गहरे जहाज का उपयोग करते थे। यून चे, क्या तुम कभी अपने निचले दायरे में इस तरह के गहरे जहाज पर चढ़ने में सक्षम थे? यून चे ने लापरवाही से उत्तर दिया, हालांकि मेरे दायरे में गहरे जहाज धीमे थे, अन्यथा वे व्यवहारिक रूप से वही थे। जब सीटू जियोंगयांग, जो म्यू हनी के साथ बातचीत कर रहा था, ने नजर डाली और देखा कि कैसे म्यू जियाओलिन उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान के साथ यून चे की आस्तीन खींच रही थी, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई, क्योंकि वह जल्दी से चला गया। उसने यून चे के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जूनियर, मुझे याद है तुम्हें बुलाया जाता है। यून चे, है ना, आओ चलकर बात करें। पिताजी, आप उनसे किस बारे में बात करने जा रहे हैं? म्यू जियाओलिन के चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। उद्धरण चिन्ह ... मैं उनसे बस कुछ छोटी मोटी बातों के बारे में पूछने जा रहा हूँ। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सीटू जियोंगयांग ने पहले ही यून चे को जबरदस्ती आधा खींच लिया था। चाचा जी मेरे लिए क्या सलाह देते हैं? सीटू जियोंगयांग की अभिव्यक्ति को देखकर यून चे ने काफी हद तक अनुमान लगा लिया था कि वह क्या कहने वाला था। जिस क्षण वह यून चे का सामना कर रहा था, सीटू जियोंगयांग की अभिव्यक्ति अचानक काली पड़ गई थी और उसने कहा, पहले यह उल्लेख किया गया था कि आप केवल 4 महीने के लिए डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में थे। ठीक है, हालांकि ये देखते हुए कि आप मेरी लेनलान से कितनी परिचित हैं, उसे आपकी काफी परवाह करनी होगी। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, वरिष्ठ बहन शियाओलान ने मेरी बहुत देखभाल की है, यून चे ने विनम्रता से उत्तर दिया और जवाब में उसने विनम्रता पूर्वक सिर हिलाया। हम्फ, सीटू जियोंगयांग ने अचानक व्यंग्य किया और उसकी भौहें गहरी हो गई। लेनलान का चरित्र शुद्ध और दयालु है, लेकिन फिर भी वह मेरी इकलौती बेटी है और फेरी बिंग्यून की एकमात्र शिष्या है। उसकी स्थिति ऐसी है जिसकी आप तुलना नहीं कर सकते, और उसकी भविष्य की उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्हें आप कभी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप कोई भी हास्यास्पद निरर्थक विचार न रखें। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने धीरे से सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, अंकल, क्या आपने कुछ गलत समझा है? गलत फहमी, सीटू जियोंगयांग ने व्यंग्य पूर्वक कहा। हम्फ, बेटे, मैं तुमसे 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा हूँ। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम्हारे विचार मेरी आंखों के सामने छिप सकते हैं? आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अभी अभी संप्रदाय में प्रवेश किया है। आपकी कम गहरी ताकत और निचले दायरे में पैदा हुए किसी व्यक्ति के रूप में आपकी स्थिति के साथ आप लेनलान के साथ यहाँ आए हैं, उसके पीछे चलने की कोशिश करने के अलावा आपके पास संभवतः क्या कारण हो सकता है? आपको उन चीजों के बारे में सपने देखना तुरंत बंद कर देना चाहिए जिनके बारे में आपको सपने नहीं देखना चाहिए। लेनलान वह व्यक्ति है जिसके आप कभी भी योग्य नहीं बन पाएंगे। अन्यथा जब समय आए तो तुम्हें चेतावनी न देने के लिए मुझे दोष मत देना। सीटू जियोंगयांग ने मुड़ने और जाने से पहले यू चे को सख्ती से देखा। यून चे जहां था वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से अवाक। सीटू जियोंगयांग ने यू चे को उसके शब्दों और कार्यों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए अधीरता से चेतावनी दी थी क्योंकि म्यू जियाओलिन ने स्वाभाविक रूप से यू चे की आस्तीन खींच ली थी। अंतरंगता का यह अवचेतन कार्य स्पष्ट रूप से सीटू जियोंगयांग के लिए खतरे का शगुन था। चूंकि उन्हें एक साथ रहते हुए काफी समय हो गया था, म्यू जियाओलिन और उसकी माँ के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ था। इस बीच सीटू जियोंगयांग ने यून चे को एक तरफ खींचने और उसे डांटने के बाद अपना बाकी समय म्यू हनी की चापलूसी करने और बातचीत करने में बिताया, क्योंकि गहरा जहाज तेजी से बर्फीले पवन साम्राज्य और उसके केंद्र में महल के क्षेत्र में आगे बढ़ गया था। यू चे, मेरे पिता ने अभी तुमसे क्या कहा? ये वास्तव में रहस्यमय लग रहा था, म्यू जियाओलिन ने ध्वनि प्रसारण के माध्यम से गुप्त रूप से यू चे से पूछा। आह, तुम्हारे पिता ने कहा कि वह तुम्हारी शादी मुझसे कराना चाहते हैं, यून चे ने कमजोरी से कहा। आप संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य बनने के बाद भी आप ऐसी बकवास कहते हैं।
मैं आपसे परेशान होने के लिए बहुत आलसी हूँ। हम थोड़ी देर बाद म्यूजियाओलन ने उसे एक और ध्वनि प्रसारण भेजा है। मुझे बस इतना एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ और पिताजी को आपकी स्थिति का परिचय देना भूल गया। इतना महत्वपूर्ण मामला, ये सबसे अच्छा होगा यदि आप ऐसा नहीं करते, युनचे ने कमजोर रूप से उत्तर दिया। मुझे आपके पिता के दिल के लिए डर है। मुजियाओलन जैसे ही बाहर हवा का झोंका आया, गहरा संदूक महल के ऊपर आ गया। बाहर की ओर देखने पर मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सैकड़ों लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, जो चांदी के कपड़े पहने हुए और सिर पर सुनहरा मुकुट पहने हुए एक आकृति को घेरे हुए थे। ये स्पष्ट रूप से वर्तमान बर्फीले पवन सम्राट स्वयं थे, फैंग हुएटा। सीटू जियोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर वह मुंह हनी की ओर तेजी से मुस्कुराया और उसने कहा, महामहिम की वापसी के बारे में सुनने के बाद सम्राट व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए आपको देखने के लिए अविश्वसनीय रूप से उत्सुक होंगे। म्यू हान्याय मुस्कुराई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अपने दिल में वह जानता था कि उसके शाही पिता व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उसने अपने पिता को डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के दो सम्मानित मेहमानों के बारे में बताया था जिनके साथ वह आ रहा था। जैसे ही गहन संदूक नीचे आया, सीतू दंपति गहरे संदूक से बाहर चले गए और फिर एक साथ सलामी दी। सीतू जियोंगयांग महामहिम बर्फीले पवन सम्राट का स्वागत करता है। हम आपके महामहिम की निरंतर दीर्घायु की कामना करते हैं और आपके महामहिम के साम्राज्य की समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हालांकि सितु जियोंगयांग एक क्षेत्र का स्वतंत्र शासक था, क्योंकि उसका क्षेत्र आइस विंड साम्राज्य की सीमा से थोड़ा सा जुड़ा था, फिर भी उसे कुछ सम्मान देना पड़ता था। तो ये रीजन लॉर्ड सीटू था। आओ आओ, फैंग हुइटा व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े और उन्होंने जोड़े को उठने का इशारा किया। बर्फ की हवा सम्राट सीटू जियोंगयांग खड़े होते हुए मुस्कुराया, देखो कौन आया है। जैसे ही वह बोला, उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया, जिससे म्यू हनी, म्यू जियाओलन और यू चे दिखाई दिए, जो सभी इस समय गहन जहाज से बाहर निकल रहे थे। या म्यू हनी को देखने पर फैंग हुइटा की आवाज तुरंत खुशी से आश्चर्यचकित हो गई। शाही भाई, फैंग हुइटा के पीछे उसी तरह राजसी आभा वाले चांदी के कपड़े पहने एक युवक भी चिल्लाया। यह कोई और नहीं बल्कि आइस विंड एम्पायर का युवराज मू हनी का बड़ा भाई फैंग होंगे था। मू हनी तेजी से आगे बढ़े और जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए बोले, ये बेटा रॉयल फादर और रॉयल ब्रदर का स्वागत करता है। काफी समय हो गया है जब से मैंने आप दोनों को सम्मान दिया है। हनी को शर्माती है और खेद है। ये काफी है कि तुम लौट आए हो। इतना ही काफी है कि तुम लौट आए हो। फैंग हुइटा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से म्यू हनिया को जमीन से ऊपर खींच लिया। जैसे ही उसने म्यू हन्याई पर नजर डाली, सम्राट की आंखें थोड़ी नम हो गई। म्यू हन्नी का सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और उन्होंने शर्म से कहा, ये बेटा अपनी मातृभूमि और शाही पिता को गौरव दिलाने के लिए क्षेत्र के राजा का प्रत्यक्ष शिष्य बनने और प्रयास करने के लिए पूरी तरह से खेती करने पर केंद्रित था और इस तरह एक लंबे समय तक घर नहीं लौटा। लंबे समय तक, हालांकि मैं बहुत बेकार हूँ, मैं असफल हो गया हूँ और मैंने रॉयल फादर को शर्मिंदा किया है। आह, आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। फैंग हुइटा ने धीरे से अपना सिर हिलाया, भले ही हमारे बच्चे को रियलम किंग का प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए पर्याप्त उपहार नहीं दिया गया हो, फिर भी आप स्नो सॉन्ग दायरे के सैकड़ों हजारों पुरुषों की तुलना में बहुत बेहतर हैं। फैंग हुइटा ने मू हनी के पीछे मू जियाओलान और यून चे की ओर देखा, जो दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय की पोशाक पहने हुए थे, और उन्होंने पूछा, ये दोनों वे दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय से आपके अनमोल मेहमान हैं जो आपके साथ आए थे। मू हनी ने तुरंत अपनी भावनाओं को वापस लेते हुए जवाब दिया, वास्तव में ये दोनों हैं। इससे पहले कि म्यू हनी उन्हें कुछ और परिचय दे सके, यूचे ने पहले ही आगे बढ़ने की पहल कर दी थी और उन्होंने कहा, आइस फीनिक्स शिष्य यूचे आइस विंड सम्राट का स्वागत करता है। आह, म्यू जियाओलन एक पल के लिए झिझका और तुरंत आगे बोला, आइस फीनिक्स शिष्य म्यू जियाओलन आइस विंड सम्राट का स्वागत करता है। जैसे ही उसने दोनों की आभा को महसूस किया, फैंग हुइटा के मन में अविश्वसनीय रूप से निराशा हुई। दोनों वास्तव में डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय से थे, लेकिन उन्हें सम्मानित अतिथि कैसे माना जा सकता है। ये स्पष्ट था कि उनकी स्थिति मू हनी की तुलना में बहुत कम थी। यदि उन्हें पहले पता होता तो वे इस आशा और भय के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने कैसे आते। फिर भी उन्होंने अपनी कोई निराशा नहीं दिखाई और थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय से आए हैं, आप स्वाभाविक रूप से मेरे आइस विंड एम्पायर के सम्मानित अतिथि हैं। रीजन लॉर्ड सीटू, अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है तो यह म्यू जियाओलन आपकी बेटी होगी।
सीटू जियोंगयांग ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, आप सही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप बर्फीली हवा के सम्राट हैं। आपकी आंखें सचमुच हर चीज के आर पार देखने में सक्षम है। इतनी छोटी फिर भी वह म्यू उपनाम हासिल करने में सक्षम है। उसका भविष्य सचमुच असीमित है। फेंग हुएटा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षेत्र भगवान सीटू, आप ऐसी बेटी पाकर धन्य है। दर्ज करो, दर्ज करो। फेंग हुएटा और फेंग हिंज के व्यक्तिगत स्वागत के साथ लोगों के समूह ने महल में प्रवेश किया। क्योंकि म्यू हान्याए एक दिन देर से निकले थे, जब तक वे पहुंचे जन्मदिन का जश्न 2 घंटे तक चल चुका था। इस प्रकार मुख्य हॉल पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था। इसके अलावा चूंकि इन सभी मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, वे स्वाभाविक रूप से स्नो सॉन्ग दायरे के सभी महान व्यक्ति थे।